जघान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो पाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान तोस्मि। नमस्कार, मैं वैद्य लक्ष्मण चंद्रकांत लावगनकर, शारीरिक क्रिया विषय में मैंने एमडी किया है और आप सबका फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का इस आज के दूष्य विचार के लेक्चर में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप सबने आप आयुर्वेद के शैक्षणिक कोर्स के लिए प्रवेशित हुए विद्यार्थी हैं और बहुत सारे विद्यार्थी आप में से, शायद मैं 99.99% विद्यार्थी कह सकता हूँ, जो कि MBBS को एडमिशन नहीं मिली इसलिए आयुर्वेद में प्रवेशित विद्यार्थी है, वो भी MBBS नहीं है तो चलो BAMS करते हैं, BAMS करने के बाद शायद एलोपैथिक प्रैक्टिस की परमिशन है ऐसा पता है, इसलिए भी आए हुए कुछ विद्यार्थी है। फिर भी अब आप क्योंकि आयुर्वेद में प्रवेशित विद्यार्थी हो तो हम सबका यह दायित्व है कि आपके सामने सही आयुर्वेद के बारे में जानकारी एवं ज्ञान रखना जितना हमें आता है उतना, ताकि आप में से ज़्यादातर विद्यार्थी आयुर्वेद के प्रति उनकी रुचि पैदा हो, आयुर्वेद का अध्ययन वो करें और आगे चलकर आयुर्वेदीय चिकित्सक आप में से ज़्यादा विद्यार्थी बने, इस तरह का प्रयत्न करना हमारा दायित्व है। फर्स्ट ईयर में प्रवेशित होने के बाद आपके सामने जो जो विषय आते हैं उनमें रचना शरीर, क्रिया शरीर, आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान, संस्कृत, अष्टांग हृदय, आयुर्वेद इतिहास, ये सभी विषय सामने आने के बाद पहले तो रुचि हमेशा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, मॉडर्न एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में होती है और उसके बाद ही ये अन्य विषय जो है वो समझने की कोशिश हम लोग करने लगते हैं। एक थोड़ा सा यहाँ पे शुरुआत करते ही आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आयुर्वेदीय परिभाषा जो है, टर्मिनोलॉजी है, वो सभी क्रियात्मक दृष्टि से लिखी हुई परिभाषा है, इसलिए जितने जितने टर्म्स आएंगे उतने टर्म्स आप क्रियात्मक दृष्टि से उनकी तरफ देखने की कोशिश कीजिए, तभी आपको वो समझ में आने की ज़्यादा संभावना है। इसी टर्म्स में दोष, दूष्य, धातु, मल, ये सब चीज़ें आई है जो कि अपना अपना कार्य करते हैं और उनके कार्य में कुछ अगर बिगाड़ आया तो वो व्याधि निर्मिति में एक रूप से वाले होते हैं। इसलिए आप सबको अगर आयुर्वेदीय शारीरिक क्रिया के सभी तत्व अच्छी तरह से समझ में आएंगे तो आयुर्वेदीय रोग निदान पद्धति, विकृति विज्ञान, ये दोष बिगड़ने के बाद होने वाली विकृति कैसे होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता चलेगा, आयुर्वेद दृष्टि से हर एक व्याधि को देखने की आदत हो जाएगी और उसी तरह से हम लोग अच्छी तरह के आयुर्वेदीय चिकित्सक बन पाएंगे। और अभी जो आयुर्वेद की हमारे भारतवर्ष में स्थिति है वो निश्चित रूप से आगे चलकर आयुर्वेद प्रधान चिकित्सा पद्धति के रूप में यहाँ पे प्रस्थापित होने वाला है, जिसके लिए सभी वैद्य प्रयत्न कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी प्रयत्न कर रहे हैं और उससे भी आगे चलकर उसमें संशोधन का काम होकर ये कार्य जरूर प्रस्थापित हो सकता है। आज का जो मेरा विषय है वो दूष्य संकल्पना है। अब आप सबको मालूम है दोष यानी शारीर एवं मानस दोष, वात पित्त कफ, रज एवं तम,
ये शारीर दोष और मानस दोष है। और जब तक शारीर दोष अपनी खुद की सामान्य स्थिति में होते हैं, मतलब समदोषाह की स्थिति में होते हैं, अब समदोषाह का मतलब मात्रावत एवं गुणवत दोनों अपने समी स्थिति में होना, जब मात्रावत एवं गुणवत वह अपने समस्थिति में रहेंगे तभी वह उनका जो उचित कार्य है वो कर पाएंगे। और जब तक वो उनका उचित कार्य कर रहे हैं तब तक शरीर में व्याधि निर्मिति होने की संभावना बहुत कम है। और अगर उनमें कुछ कारण दोषों की वृद्धि या क्षय हुआ, अपने गुणों से वो परिवर्तित हुए, रूक्ष गुण ज़्यादा बढ़ गया, स्निग्ध गुण ज़्यादा बढ़ गया, शीत गुण ज़्यादा बढ़ गया, तो अलग अलग दोषों की वृद्धि क्षय इत्यादि अवस्थाएं निर्माण होकर आगे चलकर व्याधि निर्मिति होने की संभावना है। उसमें ही जो दूसरा घटक है जिसको हम दूष्य कहते हैं, दोष शरीर में जिनको दूषित करते हैं उनको दूष्य कहते हैं। इसलिए दोषों से दूषित होने वाले जो जो भाव है, धातुएं भी है मल भी है, ये दोनों भाव दोषों से दूषित होते हैं, इसलिए उनको दूष्य कहते हैं। अब दूष्य हमें किस लिए समझ में आने चाहिए, उनकी फिजियोलॉजी किस लिए समझ में आनी चाहिए, तो इसके लिए अगर दूष्य अपने समस्थिति में है, अपने मात्रा में है, अपने गुणतः वो कार्य करते रहेंगे तो दोषों को ज़्यादा अवसर नहीं मिलेगा कि वो उन्हें दूषित कर पाए और व्याधि निर्मिति नहीं होगी। क्योंकि आयुर्वेद दृष्ट्या हम लोग व्याधि की व्याख्या करते हुए दोष दूष्य सम्मूर्छना जनितो व्याधि ही इस तरह से उसकी व्याख्या करते हैं। मतलब बिगड़े हुए दोष जब दूष्यों को दूषित करके अलग तरह की घटना शरीर में निर्माण करते हैं उसको व्याधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक व्याधि रखता हूँ, रक्त और पित्त। अब आपको आगे चलकर आश्रय आश्रय भाव नाम से एक विषय आने वाला है जिसमें किन किन धातुओं में कौन कौन से दोष आश्रयी होते हैं इसका वर्णन है और उनका अन्योन्य संबंध होता है। जैसे वात दोष का आश्रय अस्थि धातु है, पित्त दोष का आश्रय रक्त धातु एवं स्वेद यह मल है, और कफ दोष का आश्रय रस मांस मेद मज्जा एवं शुक्र यह धातुए है। अब जब इनमें से एक चीज़ बढ़ती है, एक चीज़ अच्छी तैयार होती है तो दूसरे का भी पोषण होता है, और एक का जब नहीं होता तब पहले का भी नहीं होता। यह सिर्फ वात दोष एवं अस्थि के संदर्भ में विरुद्ध दिशा में समझ लेना चाहिए। जैसे अगर वात दोष बढ़ जाए तो अस्थि धातु कम होता है, और अस्थि धातु बढ़ जाए तो वात दोष का अच्छी तरह से वात दोष बढ़ जाता है। अस्थि धातु बढ़ जाता है तब वात दोष कम होता है। अब यहाँ पे मैं उदाहरण के तौर पर ये चीज इसलिए लिए ले रहा हूँ कि रक्तपित्त व्याधि में जब तक रक्त अपना प्राकृत मात्रा में है, अपना कार्य कर रहा है, पित्त भी अपने मात्रा में है और अपना कार्य कर रहे हैं, तब वो आश्रय आश्रय रहकर कोई भी बिगाड़ नहीं कर रहे, अच्छी तरह से वो संबंध के रूप में चल रहे हैं। लेकिन जब पित्त अपने उष्ण एवं तीक्ष्ण गुणों से दूषित होता है, रक्त द्रव उष्ण एवं तीक्ष्ण गुणों से दूषित होता है, तब बढ़ा हुआ पित्त रक्त में मिश्र होकर रक्त की भी मात्रावत वृद्धि करके वो दोनों मिश्र होकर रक्तपित्त नाम से एक अन्य संप्राप्ति का निर्माण करते हैं, अन्य व्याधि का निर्माण करते हैं, जिसमें बिगड़ा हुआ रक्त दोष रक्त धातु शरीर से में से बाह्य प्रवर्तन होने लगता है, ऊर्ध्व नासाक्षीकरण इत्यादि मार्गों से, अधो गुदयोनि मूत्र इत्यादि मार्गों से। तो इस तरह से ये संप्राप्ति हो गई है, सम्मूर्छना हो गई है। इसलिए पित्त ने रक्त को दूषित किया और दूषित करने के बाद रक्त यह व्याधि निर्मिति हुई। तो ये समझने के लिए हमें दोषों के बाद दूषों को समझना अवश्यंभावी है, और उसमें से सबसे प्रधान चीज धातुएं है, जो कि आज के लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।
तो धातु यह शब्द कैसे बना है? तो धातु शब्द ध्रुव धारयति इस अर्थ से या इस मूल धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है शरीर का धारण करना। अब एक तरह से समझने के लिए हम इन चीज़ों को शरीर के बॉडी बिल्डिंग यूनिट्स या शरीर के कनेक्टिव टिश्यू जैसे जॉइनिंग यूनिट्स, जो कि शरीर का रक्षण भी करते हैं, उसकी नरिशमेंट में भी काम करते हैं और उसका वर्धन भी करते हैं और उसका पोषण भी करते हैं, इस तरह से हम लोग उसको समझ सकते हैं। इसलिए जो जो चीज़ें शरीर का धारण करती है उसको धातु बताया गया है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि आयुर्वेद के सभी परिभाषा कर्म की दृष्टि से सिखाई गई है, कर्म की दृष्टि से बढ़ाई गई है, इसलिए यह धारण करने वाली हर एक चीज़ जो शरीर में है हम उसको धातुएँ कह सकते हैं। अब कभी कभी दोष भी शरीर के धारण का कार्य करते हैं, तब उनको भी हम धातु कह सकते हैं। मल भी शरीर का अगर धारण करने का कार्य कर रहे हैं तो हम उसको धातुएँ कह सकते हैं। लेकिन प्रधान रूप से जो शरीर में धारण करने वाले घटक है वो धातुएँ हैं। वो सात है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र। तो यह सात धातुएं हैं। धातु शब्द का और अर्थ है दधाति धत्तेवा शरीर मन प्राणन इति धातु। धातु है किंचिन किन किन चीजों का धारण करते हैं, शरीर का भी धारण करते हैं, शरीर में रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र है उनका धारण करते हैं, मन का भी धारण करते हैं और प्राण को भी आधार देते हैं। अब जैसे कि प्राण जहाँ पे रहता है उसको प्राणायतन शरीर में कहा गया है, उनमें से एक रक्त है, रक्त जो कि एक धातु है, तो रक्त प्राणों का धारण करता है, वो एक धातु है, शरीर का धारण करने वाला द्रव्य है। वैसे ही मन भी आयुर्वेद ने मन का स्थान हृदय बताया है, हृदयम चेतना स्थानम उक्तम सुश्रुत देहिनाम। तो इस तरह से हृदय यह मन का स्थान है, और अगर हृदय की उत्पत्ति हम लोग देखें तो शोणित कफ प्रसादजम हृदयम इस तरह से आई है, मतलब कफ और रक्त के प्रसाद भाग से हृदय की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे भी रक्त का कार्यकारित्व है, तो जो मन का धारण करने वाला हृदय है उसकी भी उत्पत्ति रक्त से हुई है। तो इसलिए धातुएं ही शरीर मन एवं प्राण सभी चीज़ों का धारण करने वाली होती है। दूसरी जो व्याख्या है इस संदर्भ में आई हुई उसका अर्थ है दधाति धत्तेवा शरीर रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्रानी इति, मतलब रस से लेकर शुक्र तक सभी धातुओं का कार्य धारण करना है और शरीर में इनका धारण करना ये भी धातु का कार्य है। तीसरी जो यहाँ पे व्याख्या आई है तीसरी जो यहाँ पे व्याख्या आई है वो है धारयति शरीर शरीर संवर्धकान इति धातु। शरीर संवर्धकान का अर्थ होता है शरीर की वृद्धि करने वाले। अब ये शरीर की वृद्धि करने वाला कौन होता है? विशेष रूप से बाह्य आहार जो होता है, जो कि हम लोग नरिशमेंट के लिए लेते हैं, तो वो आहार उसका परिवर्तन होकर आहार रस में परिवर्तित हो जाता है और आहार रस में परिवर्तित होकर उसको धातुओं में रूपांतरित करना धात्वग्नि का कार्य है। तो इस तरह से वो परिवर्तित होकर धातुओं में परिवर्तित होता है, इसलिए उन शरीर संवर्धक चीज़ों के आहार एवं जो शरीर संवर्धक अंश धातुओं के रूप में है उनका धारण करना भी धातु का कार्य है। तो इस तरह से शरीर मन प्राण सभी चीज़ों का धारण करने वाली चीज़ जो शरीर में है उसको हम लोग धातु कहते हैं। फिर से एक बार धातु की निरुक्ति, धारणा धातवः जो जो शरीर में धारण करने का कार्य करते हैं उनको हम लोग धातु कहते हैं। संख्या सात कही गई है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। अब समझने की दृष्टि के से फर्स्ट ईयर के लेवल में
आप उसका उसके इस इन सातों का ट्रांसलेशन कर सकते हो, लेकिन वो बस समझने की दृष्टि से है। इतना ध्यान रखिए, रस का मतलब प्लाज्मा या रस का मतलब लिम्फेटिक्स, इस तरह से डायरेक्टली डायरेक्ट जो ट्रांसलेशन है वो लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन रस का अर्थ है शरीर में श्वेत या सौम्य वर्ण का अहर आगच्छति, जो सातत्य से शरीर में ट्रैवल करता है, वो जो धातु है उसको रस कहा है। इसलिए उसका साधर्म्य हम लोग थोड़ा बहुत प्लाज्मा या कभी कभार लिम्फ इस तरह से द्रव्यों से ले सकते हैं, और जो रस जैसे प्रीणन का कार्य करते हैं इसलिए उसको रस कहा गया है। रक्त को समझने के लिए आसान है, हम उसको कंपेयर ब्लड से कर सकते हैं। माउस का को कंपेयर हम लोग मसल टिश्यू से कर सकते हैं। मेद धातु को समझने के लिए हम लोग उसके लिए एडिपोस टिश्यू या फैट टिश्यू इस तरह से समझने के लिए उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अस्थि धातु हड्डिया बोन्स उसको हम लोग समझ सकते हैं। मज्जा धातु के लिए बोन मैरो या मस्तिष्क इसमें उसको समझ सकते हैं। शुक्र धातु रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको समझने के लिए हम ले सकते हैं। उसको सीमेन या स्पर्म्स इस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन इनकी व्यापकता रस रक्त मांसमेद अस्थि मज्जा शुक्र इनका कार्य, इनकी व्यापकता इससे ज़्यादा है। इसलिए सिर्फ अभी के लेवल पे, मतलब आप अभी फर्स्ट ईयर में शायद एडमिशन होके 1-2 महीने में हो, कुछ लोगों का ट्रांजिशनल करिकुलम अच्छी तरह से हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है, तो समझने की दृष्टि से इनको रस रक्त मांसमेद अस्थि मज्जा शुक्र इस तरह से ट्रांसलेशन करके समझ सकते हो। लेकिन ये सभी चीज़ें, इन सभी की फिजियोलॉजी हमें आगे चलकर इनसे इनके संबंध में या इनके दृष्टि से होने वाले व्याधियों को समझना है, इसलिए सब ये चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, ये ध्यान में रखिए। हम सबको आगे चलकर आयुर्वेद के वैद्य या फिर डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर बनना है। इसके लिए संस्कृत की परिभाषा आयुर्वेद की दृष्टि से आवश्यक है। तो उतना संस्कृत, मतलब हमें परिभाषा समझ में आए, उसकी विभक्ति समझ में आए, उनके अर्थ समझ में आए, उतना संस्कृत हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप में से सभी लोगों को संस्कृत पंडित बनने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन जितना संस्कृत हमें संहिता पढ़ने के लिए, संहिताओं के टीकाओं के अर्थ समझने के लिए, वो उनका पाठांतर करने के लिए जितना संस्कृत हमें चाहिए उतना सीखने की हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। तभी ये जो सभी परिभाषाएं हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये हमें अच्छी तरह से समझ में आएंगी और तभी हम उसके ऊपर अच्छा काम कर पाएंगे। दूसरा जो दूष्य है वो मल है। मल का कार्य या मल की निरुक्ति है मलिनीकरणात् मलः, मतलब जो जिनका मलिन करना यही कार्य है। मतलब ये अगर ज़्यादा देर तक शरीर में रहेंगे तो शरीर को मलिन करेंगे, व्याधियां निर्मिति करेंगे, इसलिए उत्पन्न होने के बाद थोड़ी देर बाद उनका शरीर से बाहर निकलना अवश्यंभावी है, और अगर शरीर में रहेंगे तो ये उनको मलिन कर देंगे। अब संख्या की दृष्टि से पुरीष मूत्र और अधोवात स्वेद, ये और एक मल हम लोग लेते हैं। आगे चलते हैं। अब दोष और धातुओं की परस्पर सापेक्ष स्थिति शरीर में कैसे लगती है? दोष अगर शरीर में ज़्यादा बढ़ जाए तो वो शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे हम सबको पता है कि कफ अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो खांसी आती है, खांसी में से कफ निकलता है, या कोल्ड ज़्यादा हुआ तो सर्दी हुई, प्रतिक्षा हुआ तो नाक में से कफ निकलता है। तो कफ अगर बढ़ जाए तो शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, कभी कभी बाहर निकल भी जाता है। इसलिए दोष जब बढ़ते हैं, विकृत होते हैं, तो वो शरीर से बाहर निकलते हैं। मल पुरीष मूत्र स्वेद स्टूल्स यूरिन, ये जो चीज़ें हैं वो भी शरीर से बाहर निकलती हैं, लेकिन धातु जो है वो शरीर से बाहर नहीं निकलते। और धातुओं का शरीर से बाहर निकलना धातुओं के क्षय होने के बराबर है, जिससे विकृति ज़्यादा जन्म ले सकती है। जन्म के बाद बाल्य वय से मध्य वय तक धातुओं की वृद्धि होती है,
लेकिन दोष एवं मल जो है उनका पोषण जो है वो आहार के पोषण के ऊपर है। प्रकृतितः जो दोष तैयार होते हैं वो कभी भी नहीं बदलते, मतलब प्राकृत जो दोष जो तैयार होंगे या प्राकृत दोष जो रहेंगे, जो कि गर्भ निर्मिति वक्त ही जिनका निर्माण होता है, वह दोष कभी भी बदलते नहीं हैं, मतलब बढ़ते नहीं है, उनकी मात्रा में वो तैयार होते रहते हैं। अगर वो भी बढ़ने लगे तो वो भी विकृति हो सूचक होते हैं। धातुओं का उचित रूप में बढ़ना यह प्राकृत है, वो बाल वय से लेकर मध्य वय तक उनकी वृद्धि होती है और उसके बाद वो उतनी ही मात्रा में शरीर के अंत तक रहते हैं। अब ये धातुओं का अभ्यास हमें किस लिए करना है? अब आयुर्वेद ने जो स्वस्थ की व्याख्या की है, स्वस्थ हेल्दी पर्सन, समदोषाः समाग्निश्च समधातुमलक्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने आपके सामने उनका मत रखा है। समदोषः दोषों की समस्थिति होना, कार्य रूप गुण रूप मात्रा रूप, सम अग्नि अग्नि यानी पचन शक्ति हमारे शरीर की डाइजेस्टिव पावर, वो समस्थिति में रहना, मलक्रिया शरीर में मलों का निर्माण सम मात्रा में होना और वो योग्य यथा योग्य काल में शरीर से बाहर निकलना, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय एवं मन, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मन का स्वास्थ्य, प्रसन्न मन होना। प्रसन्न मन के लिए एक ही उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। कभी कभार उठने के बाद हम लोग कहाँ पे ट्रेवल करते हैं तब तो हमारा अचानक से मूड चला जाता है, क्योंकि कोई कुछ बोलता है या छोटा सा एक्सीडेंट होता है या कुछ चीज़ें हो जाती है तब हमारा मूड हो चला जाता है। तो जब ये हमारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती, प्रसन्न मन नहीं रहता, तो थोड़ी देर बाद हमें भूख नहीं लगती, किसी को शिरश्शूल हेडेक शुरू हो जाता है, कोई बेचैन हो जाता है, जिससे अलग अलग लक्षण शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ शारीरिक विकृति न होते हुए भी सिर्फ प्रसन्न मन न होने की वजह से अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं जो कि शरीर के स्वास्थ्य में बाधा डालते हैं। इसलिए शारीरिक भावों के साथ साथ यहाँ पे प्रसन्न मन का भी उल्लेख किया है, प्रसन्न इंद्रियों का भी उल्लेख किया है और प्रसन्न आत्मा का भी उल्लेख किया है। जो एक चीज मैंने अभी नहीं बोली वो है समधातु, जो आज का हमारा विषय है। धातुओं की समस्थिति रहना मतलब धातुओं की योग्य तरह से उत्पत्ति होना, उनका योग्य यथा योग्य मात्रा में उनकी उत्पत्ति होना, उसके बाद उनका कार्य जो है वो योग्य तरह से उनका शरीर में कार्य होते रहना, उसके लिए उनके गुणों का भी अच्छी तरह से पोषण होना, और जो कुछ भी आहार हम लोग ले रहे हैं उस आहार से उस धातुओं के पोषक अंश का उनको मिलना, ये सब चीज़ें समधातु प्रक्रिया में आती है। और ये जब सभी प्रक्रियाएं जब अच्छी तरह से चलती है तब जब धातुओं की साम्यावस्था रहती है तो उसको हम समधातु इस तरह से कहते हैं। आगे चलते हैं। अब शीर्यते तत् शरीरम, यह शरीर की व्याख्या सबने आपने पढ़ी है, इसलिए झीज होना या शरीर का क्षय होता जाना ये शरीर का नैसर्गिक स्वभाव है और उस झीज को पूरा करना यह कार्य धातु का है, उसको पूरण करना उसका ब्रूहण करना यह धातुओं का कार्य है। अब गर्भ उपनिषद के अनुसार उन्होंने धारण इस कार्य का बता का धारण इस कार्य को इलैबोरेट करते हुए तीन उसके अर्थ दिए हैं, अभिवर्धन पोषण एवं रक्षण। अब विशेष रूप से ये कार्य हमें वय अवस्थानुसार हम लोग समझ सकते हैं, जैसे बाल्यवय हो बालवय हो, जैसे हम लोग छोटे से बड़े होते जाते हैं तब हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, हमारा मसल टोन बढ़ जाता है, तो इस तरह से वो अभिवर्धन का समय है, इसलिए उस बाल्यवय में अभिवर्धन यानी धातुओं की वृद्धि हो जाना, रस रक्त मांस समेत इनकी वृद्धि होते जाना, यह कार्य हमें विशेष रूप से दिखता है। मध्यवय में एक बार पूरी डेवलपमेंट हो गई, पूरा धातुओं का पोषण हो गया, तो उसके बाद उसका उसी तरह से पोषण होते रहना। किसको नहीं चाहिए होता कि जैसे वो 20वीं उम्र 20 के उम्र में दिखे वैसे ही वो 50 तक दिखे, वैसे ही वो 60 तक दिखे, वैसे ही वो 70 तक दिखे, उसी को उसका पोषण होते रहना हम लोग कहते हैं।
कि हाँ अब 20 की उम्र में यह स्टैमिना है, इतनी देर तक कार्य कर सकता है, उसके चेहरे की उतनी चमक है, तो ये सब पोषण अगर होता रहे तो उसको मध्यवय में पोषण करते रहना है। इसलिए 20 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 50 तक, 50 से 60 तक, 60 से लेकर 70 तक। और वार्धक्य में, अब आयुर्वेद ने वार्धक्य की परिभाषा करते हुए दो ग्रंथों में थोड़ा अलग अलग मत है। एक ने 70 साल के बाद वार्धक्य कहा है, दूसरे ने 60 साल के बाद वार्धक्य कहा है। अभी मैं दोनों का रेफरेंस आपको नहीं दूंगा, इसके लिए मैं थोड़ा आपको होमवर्क देता हूँ कि कौन से आचार्य ने चरक सुश्रुत वाग्भट में से 70 साल के बाद वार्धक्य की अवस्था बताई है और कौन से आचार्य ने 60 साल के बाद वार्धक्य की अवस्था बताई है। ये आप होमवर्क करके बरखा मैडम को या अन्य किसी जो ऑर्गेनाइजर है उनमें से किसी को आप भेज सकते हो, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। तो अंतिम जो वार्धक्य है उसमें रक्षण करना, अब मध्यवय में पोषण होने के बाद रक्षण करना, जैसे 60 की उम्र के बाद या 70 की उम्र के बाद धातुओं का बल धीरे 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 कम हो जाता है। अब रस धातु के कर्म के संदर्भ में एक रेफरेंस आया है कि वार्धक्य में यह रस यापन नहीं करता है। यापन नहीं करता है का मतलब तर्पण नहीं करता है या प्रीणन न नहीं करता है। शब्द आया है अप्रीणना अपि भवति, मतलब रस धातु का तो स्वाभाविक कार्य प्रीणन करना है, शरीर में मॉइस्चर मेंटेन करना है, उसको फ्रेश रखना है, लेकिन जैसे जैसे वार्धक्य आएगा तो वात का समय बढ़ने लगेगा, इस वजह से उसका पोषण, रस धातु का पोषण अच्छी तरह से नहीं होगा और जो झीज है वो झीज होना ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए वो कम से कम झीज होते रहना, यह प्रोटेक्शन के रूप में फंक्शन है जो कि वार्धक्य में होना, यह एक कार्य है। इसलिए गर्भ उपनिषद के हिसाब से अभिवर्धन पोषण एवं रक्षण, यह धारण के जो अर्थ है वो वय के स्वरूप में बाल्य वय, मध्य वय एवं वार्धक्य के वय के रूप में हमें समझ लेना है। अब हम धातु उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो धातुएं हैं, ये धातुएं शरीर में किस तरह से निर्माण होते हैं, कैसे निर्माण होते हैं। तो यहाँ पे एक सूत्र है जो सुश्रुत सूत्र स्थान 14 का सूत्र है, जहाँ पे थोड़ा सा पचन और आगे उससे धातु निर्मिति की शुरुआत, इस तरह का सूत्र आपके सामने मैंने रखा है। क्योंकि धातुओं के निर्माण के पहले हमें पचन, आयुर्वेदीय पचन के बारे में थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये धातु उत्पत्ति की प्रक्रिया समझ पाएंगे। तत्र पांचभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य द्विविधवीर्यस्य अष्टविधवीर्यस्य वा अनेक गुणस्य उपयुक्तस्य आहारस्य। अब यहाँ पे आहारस्य के यह सभी विशेषण है, कौन कौन से? पांचभौतिकस्य, मतलब हम जो शरीर में आहार लेते हैं जिससे धातुओं का निर्माण होने वाला है, वो कैसे होता है? वो आहार पांचभौतिक होता है, मतलब उसमें से कुछ द्रव्य पृथ्वी महाभूत के आधिक्य के होते हैं, कुछ द्रव्य आप महाभूत के आधिक्य के होते हैं, कुछ द्रव्य तेज महाभूत के आधिक्य के होते हैं, कुछ द्रव्य वायु महाभूत के आधिक्य के होते हैं। तो इस तरह से पांचभौतिक द्रव्य होते हैं। दूसरा जो होता है वही आहार चतुर्विध स्वरूप का होता है, अशित पीत लीढ़ खादित, इस तरह से वो चतुर्विध स्वरूप का होता है। जैसे हम लोग खाने के स्वरूप में पीने योग्य आहार, चूस के खाने योग्य आहार, चटने योग्य आहार, इस तरह से उसको अलग से क्लासिफाई कर सकते हैं। साथ साथ वही आहार षड्रस युक्त होता है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इन 6 रसों से युक्त होता है। द्विविध वीर्य से होता है, मतलब उष्ण और शीत इन दोनों गुणों से युक्त होता है। अष्टविध वीर्य से होता है, उष्ण शीत गुरु लघु स्निग्ध रूक्ष तीक्ष्ण मंद, इस तरह से अष्टविध वीर्य का युक्त है। और अनेक गुणों से होता है, 20 गुणों से युक्त होता है, और वो सभी आहार उपयुक्त होता है। उपयुक्तस्य किस लिए उपयुक्त? धातुओं का पोषण करने के लिए उपयुक्त वो आहार होता है। सम्यक परिणतस्य, अब वो आहार जो लिया है उसको सम्यक परिणतस्य योग्य प्रकार से उसका अगर पचन हो गया तो होने के बाद ही यह तेजोभूता,
जो तेजोभूत अंश उससे तैयार होता है, सारभूत अंश तैयार होता है, उसको परम सूक्ष्म आहार रस इस तरह से कहते हैं। अब थोड़ा सा इसके लिए मैं पचन आपके सामने थोड़ा कहने की कोशिश करता हूँ। जब ये पंचभौतिक चतुर्विध षड्रस द्विविध वीर्य युक्त आहार मुख में प्रवेश कृत होता है, तो मुख में प्रवेशित होने के बाद पहले उसके ऊपर बोधक कफ कार्य अपना करता है और उस आहार को मृदुत्व लाता है, उसमें स्निग्धता लाता है, उसमें द्रवत्व लाता है, तो शैथिल्य लाता है, जिससे वो उसका डाइजेशन शुरू होना आसान हो जाता है। हम दांतों से उसका चर्वण करते हैं, उसके बाद बोलस फॉर्म होकर वो प्राण जो वात का प्रकार है वो उसको आगे अन्न नलिका में ढकेलने का काम करता है। तो किसी कारण प्राण विकृति हो जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि कोई कुछ भी आहार खाया तो मुंह में ही वो घूम रहा है, क्योंकि वो डेग्लुटेशन प्रोसेस अच्छी तरह से नहीं कर पाता। उसके बाद अन्न नलिका द्वारा वो जठर में आता है या आमाशय में आता है। वहाँ पे शब्द है आम आशय, यानी अपाचित आहार। जिसका पचन नहीं हुआ है वो आमाशय में आता है, वहाँ पे ऊर्ध्व आमाशय में उसके ऊपर क्लेदक कफ कार्य करता है, उसमें और मृदुत्व लाता है, शैथिल्य लाता है, और उसके बाद अधो आमाशय एवं ग्रहणी में जठराग्नि उसके ऊपर कार्य करता है, साथ साथ पंचभौतिक अग्नि भी कार्य करते हैं और पाचक पित्त भी उसके ऊपर कार्य करता है। उनको कार्य करने के लिए वहाँ पे समान वायु प्रेरणा देता है, समान उसको संधुक्षित करता है अग्नि को, और उसके बाद उसका रूपांतर आहार रस में करता है। अब यह जो आहार रस है वो इन सभी गुणों से युक्त होता है, इसलिए आगे चलकर इसी आहार रस से धातुओं का पोषण होने वाला होता है, धातुओं का पोषण होता है। सॉरी टू ये डिस्टर्ब यू सर, सर, हाँ आप स्क्रीन अगर रोटेट कर सकेंगे तो अच्छा होगा, हमें प्रॉपर स्लाइड्स नहीं दिख रही है अभी। मैंने वैसे भी रोटेट किया है, एक बार फिर ट्राई करता हूँ। अब बेटर है या अब बेटर है? हाँ अभी बेटर है सर। ठीक है, हाँ थैंक यू। सर, थैंक यू। ये थोड़ी चीज़ें जब हम लोग ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन थोड़ा उसको उसे आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, और मैं आज मोबाइल पे लेक्चर ले रहा हूँ इसलिए भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अब धातु उत्पत्ति में एक तो पहला घटक जो कि आहार रस है, इसका पोषण कैसे हुआ वो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। जब हम लोग पचन यह पढ़ाते हैं तो ये सिखाने के लिए आपको शायद 3, 4 या 5 लेक्चर आपके कॉलेज में लिए जाएंगे। अब ये जो धातु उत्पत्ति की प्रक्रिया है उसके लिए और दो चीज़ें समझने की हमें ज़रूरत है, एक तो स्रोतस नाम की एक संकल्पना और दूसरी जो है वो धात्वग्नि नाम की एक संकल्पना। अब स्रोतस यह शब्द जो आया है उसके लिए चरक एवं सुश्रुत दोनों ने अलग अलग व्याख्याएं उसकी की है। सुश्रुत संहिता में स्रोतस शब्द का अर्थ श्रवणात श्रोताओं से इस तरह से आया है, मतलब इस तरह से के चैनल्स जिसमें से कुछ ना कुछ पदार्थों का वहन होता है। तो स्रोतस की उन्होंने सिंपल डेफिनेशन रखी है कि जिसमें से कुछ पदार्थों का वहन होता है उसको हम लोग स्रोतस कहेंगे। श्रवण यानी मराठी में हम जिसको बोलते हैं पाझरणे, ज्याच्यातून काहीतरी पाझरू शकतं त्याला आपण स्रोतस असे म्हणावं। चरक ने जो इसकी व्याख्या की है वो थोड़ी सी व्यापक की है, उसमें उन्होंने श्रोतांसी खलु परिणामम आपद्यमानानां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ति अयन अर्थेन, इस तरह से बड़ा सूत्र है, आगे स्रोतस मैं लेने वाला हूँ लेकिन बहुत वो बाद में है। तो श्रोतांसी खलु, स्रोतस का मतलब परिणामम आपद्यमानानां, परिणामम का अर्थ है तैयार होने वाला धातु, जिसका परिणमन हो रहा है वो। अब किसका परिणमन हो रहा है? आहार रस का धातुओं में परिणमन हो रहा है, इसलिए परिणमन होने वाला धातु। श्रोतांसी खलु परिणामम आपद्यमानानां, आपद्यमानानां जो परिणत हो रहे हैं वो।
अब हम आप में से जिनको संस्कृत स्कूल के लेवल में था उनको यह शब्द में आन मान वगैरह प्रत्यय शायद याद हो, जिसको हम लोग वर्तमान काल धातु साधित विशेषण व का धावी इस तरह से सीखते थे। तब इसका अर्थ समझ में भी नहीं आता था, हम बस याद कर लेते थे, ये कभू धावी है, ये वक्का धावी है, ये कवि धावी है। हमें रूप लिखने पड़ते थे और रूप लिखने के बाद हम लोगों को वो मार्क्स मिल जाते थे, लेकिन उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। तो जिसका अर्थ है चालू वर्तमान काल के, जहाँ पे प्रोसेस चल रही है। अब यहाँ पे परिणामम आपद्यमानानां धातूनां, परिणत होने वाले धातुओं का वहन करने वाली जो चीज़ है उसको स्रोतस कहा गया है। इसलिए हर एक धातु का एक एक स्रोतस होता है। रस धातु का रसवह स्रोतस होता है, रक्त धातु का रक्तवह स्रोतस होता है, मांस धातु का मांसवह स्रोतस होता है, मेद धातु का मेदोवह स्रोतस होता है, अस्थि धातु का अस्थिवह स्रोतस होता है, मज्जा धातु का मज्जावह स्रोतस होता है और शुक्र धातु का शुक्रवह स्रोतस होता है। तो वहाँ पे हर एक धातु का परिणमन होने वाली अवस्था उसकी आती है। तो रसवह स्रोतस में परिणत होने वाला रस धातु रहता है, रक्तवह स्रोतस में परिणत होने वाला रक्त धातु रहता है, इसलिए उसको स्रोतस कहा गया। अब ये दूसरी एक संकल्पना यहाँ पे है जिसको आप ध्यान रखिए, जिसको मैंने नीचे रसाग्नि लिखा है। अब ये धात्वाग्नि नाम से चीज है। जठराग्नि यानी मूल पचन शक्ति, जिससे पचन होकर आहार रस में वो परिवर्तित होता है, और उसके बाद हर एक धातु में उसको परिणमन होने के लिए जठराग्नि के ही अंश जो कि धातुओं में रहते हैं उनको धात्वाग्नि कहा गया है। उसका सूत्र अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में आया है, स्वस्थानस्थस्य कायाग्नेः अंशः धातुषु संश्रितः। स्वस्थानस्थस्य कायाग्नेः अंशः, कायाग्नि के जो अंश धातुषु संश्रितः धातु में रहते हैं, कौन से? स्वस्थानस्थ मतलब रस धातु के अंश या रसाग्नि के अंश रस धातु में रहेंगे, रक्त धात्वाग्नि के अंश रक्त धात्वाग्नि में रहेंगे। इसलिए रसव स्रोतस में परिणत होने वाले रस धातु में रस धात्वाग्नि के अंश रहेंगे। तो ये सात अग्निये वहां पे रहकर धातु को परिणमन करने का, धातु की उत्पत्ति करने का कार्य करते हैं। और एक साथ में रहने वाला अग्नियों का प्रकार है जिसको हम पांचभौतिक अग्नि कहते हैं, पंच महाभूतों के अलग अलग अग्नि कहते हैं। उनका कार्य है यह है कि वो धात्वाग्नि तो उसको धातुओं के स्वरूप में डालेगा, लेकिन ढालने के साथ साथ उसका जो पांचभौतिकत्व है वो सही तरह से उसको मेंटेन हो जाए, वो होना चाहिए, उसके लिए उसके साथ पांचभौतिक अग्नियां कार्य करते हैं। जैसे सौम्य जो रस होता है वो उष्ण एवं रक्तवर्णी के रूप में रक्त में परिवर्तित जब होता है तो रक्त धात्वाग्नि तो कार्य करता ही है, उसके साथ साथ तेजस अग्नि उष्णता अग्नि जो कि वर्ण परिवर्तन एवं औष्ण्य देने का काम करता है, इसलिए ज़्यादा से काम करता है। तो इस तरह से धात्वाग्नि के साथ साथ पंचभौतिक अग्नियाँ भी काम करती है। अब ये फिर से एक बार थोड़ी हम लोग प्रोसेस धातु उत्पत्ति की समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने तीन चीज़ों का अलग अलग जिक्र आपके सामने अभी तक किया है। एक तो आहार रस, आहार के पचन के बाद जिनमें धातु है कई पोषण और पोषक अंश है वो आहार रस, दूसरा स्रोतस और तीसरा धात्वग्नि। अब ये प्रक्रिया इस तरह से होती है कि पहले आहार रस रस वह स्रोतस में जाता है, वहां पे उसके ऊपर रस धात्वग्नि की क्रिया होती है, साथ साथ पांचभौतिक अग्नि की अग्नियों की भी क्रिया होती है, और वो होने के बाद स्थायी रूप से रस धातु शरीर में उत्पन्न होता है। स्थायी रूप से रस धातु मतलब जो रस धातु के कार्य करने वाला होता है, प्रीणन यह रस का श्रेष्ठ कार्य है, अदर जो कर्म है उनमें तुष्टि है, रक्त पोषण है, इस तरह के अदर कार्य है। तो स्थायी रस धातु की निर्मिति करता है, स्थायी रस धातु की निर्मिति के साथ साथ वो अगला धातु जो है उसका रक्त पोषक अंश निर्माण का कार्य भी वह करता है, जिसको हम अस्थायी रस धातु या रक्त पोषक अंश कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मल लिखा है और एक चीज है उसके साथ,
उपधातुओं का निर्माण भी करते हैं, जैसे आहार रस से रस धातु जब तैयार होता है तो उसके उपधातु है रस के उपधातु स्तन्य एवं रज, और मल के स्वरूप कफ का निर्माण होता है। अब इसको डल्हण ने त्रिधा विपाक इस तरह का परिणमन कहा है। वैसे ही आगे चलकर रस धातु रक्तवह स्रोतस में जाता है, उसके ऊपर रक्त धात्वाग्नि की क्रिया होती है, स्थायी रक्त धातु की उत्पत्ति होती है, अस्थायी रूप से मांस पोषक अंश का निर्माण होता है, उपधातु के रूप में कंडरा एवं सिराओं का निर्माण होता है, और मल के स्वरूप पित्त की निर्मिति होती है। अब ये धातुओं की उत्पत्ति की क्रिया किस लिए समझनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा क्लिनिकल एग्जाम्पल एक देना चाहूँगा। अब ये थोड़ा मैंने बरखा से भी जब बात की थी तो कहा था कि अगर ये ऑफलाइन लेक्चर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको केसेस इसके संदर्भ में बता पाता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ ये बताने के लिए। क्योंकि जब आहार रस की दुष्टि हो तो रस धातु अच्छा तैयार नहीं होगा, इसलिए रस धातु की जो जो व्याधियाँ है तब रस ठीक तरह से तैयार नहीं हो रहा। तो ये कहाँ कहाँ पे दुष्टि हो सकती है, आहार रस एक तो ठीक तरह से नहीं तैयार हो रहा, या फिर रस व स्रोतस में कुछ तरह के ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर रस धात्वाग्नि अच्छी तरह से उसका काम नहीं कर रहा है, तब रस धातु में बिगाड़ हो सकता है। अब और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे यहाँ पे उपधातुओं का मैंने जिक्र किया कि स्तन्य एवं रज, अब किसी स्त्री रुग्णा में रजोदुष्टि है तो उस रजोदुष्टि के कारण वो अगर कुछ चिकित्सा ले रही है तो उसमें रस धातु का पोषण का भी हमें विचार करना पड़ता है, क्योंकि रस का उपधातु रज है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है। तो जब तक रस धातु का अच्छा पोषण नहीं होगा तब तक उनमें रज का पोषण अच्छा नहीं होगा, और पीरियड संबंधित जो प्रॉब्लम्स होंगे वो अच्छी तरह से हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये धातु उत्पत्ति अच्छी तरह से समझनी चाहिए, तभी हम उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और जब जब उन धातुओं के दुष्टि के संदर्भ में हमें चिकित्सा करनी पड़ती है तब तक हम उसके उत्पत्ति के तरफ जाकर उसके उत्पत्ति को करेक्ट करके धातुओं का पोषण सुधार सकते हैं। अब ये जो त्रिविध धातु उत्पत्ति है, ये हमारे शास्त्र ने इसके उत्पत्ति के लिए थ्री थेरीज का आधार लिया है, तीन उसके लिए न्याय बताए हैं। उसमें सबसे पहले है क्षीर दधि न्याय, या उसको हम लोग कहते हैं सर्वात्म परिणमन पक्ष। जैसे दूध को गर्म करने के बाद उसका रूपांतर मलई में, मलई का उसके बाद दही दही में, उसके बाद छाछ में, उसके ऊपर नवनीत घृता होता है, और अंतिम उसका प्रोडक्ट होता है घी, तो दूध का जैसे घी में परिवर्तन होता है, वैसे ही आहार रस का रूपांतर रस धातु में, रस धातु का रक्त में, रक्त का मांस में, इस तरह से पूरा परिणमन होता है। यहाँ पे सेवन किए हुए आहार रस का पूर्ण रूप से रस धातु में परिणमन, पूर्ण रूप से रस धातु का पूर्ण रूप से रक्त में परिवर्तन, इस तरह का अर्थ है। इसीलिए उसको सर्वात्म परिणमन पक्ष, इस तरह का शब्द, सर्व आत्म संपूर्ण रूप से परिणमन जिसमें होता है उसको सर्वात्म परिणमन पक्ष कहते हैं। अब ये थ्योरी बताने के बाद थोड़ा सा इस तरह से उसमें अड़चन आया कि अगर पूरी तरह से वो परिवर्तित होगा तो जब रस का रूपांतर रक्त में हो जाएगा तो रस धातु शरीर का खत्म हो जाएगा, इस तरह की आशंका उत्पन्न हुई। और इस तरह की आशंका उत्पन्न होने के बाद उसके तो दो समाधान निकले। एक तो पहला समाधान यह था कि ये जो रूपांतरित हुआ है, आज आहार रस का रूपांतर रस धातु में हुआ है, तो कल जब हम खाने वाले हैं उसका रूपांतर आहार रस में होने वाला है, जो कि आहार रस की क्षति की आपूर्ति करने वाला है। लेकिन दूसरी और एक मत बना जिन्होंने इस धातु उत्पत्ति के लिए और दो न्यायों का आधार देने की हमें कोशिश की और उसका समाधान निकालने की कोशिश की, और वो समाधान एक केदारी कुल्या न्याय से किया। अब केदारी का अर्थ है सोर्स ऑफ वाटर, एक वेल हो सकती है, कोई डैम हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कुल्या इसका अर्थ है खेत में पानी देने के लिए की हुई व्यवस्था, मराठी में हम जिसको पाट कहते हैं, कि एक वेल है
और उसमें से पानी निकाल कर खेत में देने के लिए अलग अलग चैनल्स उसने बताए हैं। तो इस तरह से हर एक धातु का एक एक चैनल होता है जो कि स्रोतस जैसे होता है, कि आहार रस निकला, रस वह स्रोतस में आया, उसने रस धातु की उत्पत्ति की। आहार रस ही रक्त धातु में गया, उसने रक्त धातु की उत्पत्ति की। आहार रस ही मांस धातु में गया, उसने मांस धातु की उत्पत्ति की। इस तरह से आहार रस से ही एक 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 धातु की उत्पत्ति की होती है, इसलिए उसको क्रम परिणाम पक्ष कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा टीकाकारों ने जो एक विलक्षण चीज उसमें बताई है वो आपके सामने रखने वाला हूं, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझने के लिए। आहार रस जब रस के चैनल में आता है तो वह रस धातु का पोषण करने के बाद रस धातु के कुछ अंश उस आहार रस में मिक्स होते हैं जो कि रक्त पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो वह रस धातु में से रक्त पोषण के आवश्यक अंश लेकर वो आहार रस आगे रक्त के चैनल में जाता है, तब वो रक्त का पोषण करता है। तब रक्त का पोषण करने के बाद रक्त धातु में से मांस के कुछ पोषण योग्य अंश लेता है और वही आहार रस आगे मांस धातु के चैनल में जाता है। तो इसलिए ये भी क्रम से ही होने वाली उत्पत्ति है, आहार रस से रस धातु, रस धातु के बाद आहार रस से ही रक्त, रक्त के बाद आहार रस से ही मांस, इस तरह से क्रम से अंतिम शुक्र धातु की तक की उत्पत्ति होती है। अब ये दोनों न्याय बताने के बाद उनको और एक समस्या उसमें पैदा हुई कि कभी कभार तो ऐसे होता है कि एकदम से मांस धातु में ही बिगाड़ दिखाई दे रहा है, या मांस धातु की ही दृष्टि हुई है, या फिर हमें चिकित्सा की दृष्टि से या फिर आहार के पोषण की दृष्टि से सीधा मांस धातु तक ही पहुंचना है। तो इस समस्या का हल कैसे निकले, और इस तरह की प्रक्रिया भी शरीर में दिखती है कि ऐसा रूपांतर भी हो रहा है। तो इसके समाधान के लिए उन्होंने और एक न्याय की निर्मिति की, या और एक न्याय में उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, जिसको उन्होंने खले कपोत न्याय से संबोधा है। अब खले कपोत न्याय में खल यानी रखा हुआ धान्य, स्टोरेज किया हुआ फूड, और कपोत यानी अलग अलग पंछी। तो यहाँ पे स्टोर किया हुआ जो कुछ धान्य है वो है आहार रस, और जो पंछी है वो है हर एक धातु के चैनल्स। अब जिस धातु को पोषण की आवश्यकता है वो अपने जगह से धान्य की तरफ आता है, उसके पोषक अंश लेके जाता है और उसके धातु का पोषण कर लेता है। दूसरा भी वहाँ उसके तरफ आता है, जिसको जरूरत होगी वो आके उसकी पोषण कर लेता है। अब ये चीज इसलिए आवश्यक है कि जब हमें सद्य जल्दी मांस का पोषण करना है, जल्दी मेद का पोषण करना है, मज्जा का पोषण करना है, तो ये रस रक्त मांस मेद इस तरह का क्रम बिना फॉलो किए हुए हम डायरेक्टली उन धातुओं का पोषण कर सकते हैं। इसीलिए ये तीसरी थेरी भी बताई गई है। अब इसका उपयोग क्या है? अब जैसे कि मैंने कहा कि कोई अगर माँ किसी एक 8वीं 9वीं या 10वीं के बच्चे को हमारे क्लिनिक में लेके आती है और कहती है कि सर उसको थोड़ा सा बुद्धि के लिए कुछ दवाई दो, तो क्योंकि उसकी एग्ज़ाम है, महीने के बाद एग्ज़ाम है, तो हम लोग नहीं उसको कहेंगे नहीं, आपका तो मज्जा धातु बिगड़ा हुआ है, तो उसके लिए पहले हमें रस ठीक करना पड़ेगा, बाद में रक्त ठीक करना पड़ेगा, बाद में मांस ठीक करना पड़ेगा, इस क्रम से हम चले जाएंगे। तो वो पेशेंट की मम्मा जो होगी वो शायद डॉक्टर बदल लेगी, क्योंकि वो कहेंगे मेरे तो बच्चे की 1 महीने बाद एग्जाम है, 6 महीने के बाद रिजल्ट आने से मुझे कुछ फायदा नहीं होगा। तो खले कपोत न्याय से काम करने वाली दवाई अगर हम तब देंगे या आहार हम तब देंगे, तब उस धातु का जल्दी पोषण हो जाएगा। जैसे और एक उदाहरण आता है सद्य शुक्र क्रम पयाह, के शुक्र धातु का शीघ्र पोषण करने वाला दुग्ध यह द्रव्य है। तो जब जब हमें शुक्र धातु की चिकित्सा करनी है तब हम अगर दुग्ध का उपयोग अनुपान के तौर पर करते हैं, अनुपान दवाई के साथ दिया हुआ द्रव्य जो कि दवाई के पोटेंसी को भी एनहांस कर सकता है, उसको जल्दी वहां पे लेके जा सकता है, इट कैन एक्ट एज एन व्हीकल टू कैरी द ड्रग। तो इस अलग अलग अर्थ से हमें अनुपान को समझ सकते हैं। तो दुग्ध का अगर हम अनुपान के रूप में प्रयोग करेंगे तो उस दवाई का असर शुक्र धातु के पोषण में जल्दी हो सकता है। तो इसलिए ये तीनों न्याय आवश्यक है, क्षीरदधि भी आवश्यक है, केदारी कुल्या भी आवश्यक है, कि खले कपोत भी आवश्यक है।
क्योंकि उसका हम टेम्परेरी पोषण तो खलेकपोत से कर पाएंगे, लेकिन उनको हमें कहना पड़ेगा कि अगर हम लोग क्रम से हर एक धातु का पोषण करते जाएंगे तो इसका जो पोषण है वो परमानेंट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ जाएगी। तो इसलिए हमें तीनों न्याय आवश्यक है। थोड़ी धातु उत्पत्ति की शॉर्ट में रिविजन करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसी स्लाइड के संदर्भ में मैंने बताई है। सबसे पहले आहार रस से आहार रस का पोषण, सॉरी आहार से आहार रस का पोषण, आहार रस रसवह स्रोतस में जाकर उसमें रस धातुवाग्नि उसके साथ पंचभौतिक अग्नि काम करते हैं। काम करने के बाद स्थायी रूप से रस धातु का निर्माण होता है, अस्थायी रूप से अगले धातु का रक्त पोषक अंश की निर्माण निर्मिति होती है, उपधातु के रूप में स्तन्य एवं रज की निर्मिति होती है, और मल के रूप में कफ की रूप निर्मिति होती है। ऐसे ही रस के बाद रक्त, रक्त के बाद मांस, मांस के बाद मेद, उसके बाद अस्थि, उसके बाद मज्जा और उसके बाद शुक्र, इन धातुओं की निर्मिति होती है। ये निर्मिति तीन अलग अलग न्यायों से होती है, क्षीरदधि, केदारी कुल्या और खलेकपोत। आगे चलते हैं। अब ये जो धातुओं की निर्मिति होती है इसके संदर्भ में आयुर्वेद के भिन्न भिन्न ग्रंथों में अलग अलग परिणमन काल का वर्णन किया है, मतलब ये कितने दिनों में होती है। तो इसके लिए चरक का जो मत है वो आहार रस से रस धातु का निर्माण एक ही दिन में होता है, और उससे शुक्र तक का प्रवाह जो है वो एक एक दिन में ही होकर सातवें दिन ही शुक्र की निर्मिति होती है। सुश्रुत संहिता का मत जो है वो इससे थोड़ा अलग है। वो आहार रस के बाद दूसरे दिन, रसा किल एक अहे नैव, एक दिन के बाद रस धातु की निर्मिति होती है, एक दिन में ही होती है, और उसके बाद रक्त मांसमेद इनकी निर्मिति के लिए उन्होंने ग्रंथ में जो शब्द वर्णन किया है उस शब्द का अर्थ है 3015 कला, 3015 कला। अब अष्टांग संग्रह में आपको काल परिभाषा ये इस तरह से चीज है, आपको तो अब अष्टांग हृदय है क्योंकि अष्टांग संग्रह नहीं है। तो काल परिभाषा में कला, मुहूर्त, नाड़ी इन सब का वर्णन है, और इसका आज के संदर्भ में कैसे अर्थ निकालते हैं उसका भी हमें वहाँ पे वर्णन मिलता है। तो 3015 कला का अर्थ है लगभग 5 दिन। इसलिए रस के बाद 5 दिनों में रक्त की निर्मिति होती है, रक्त के बाद 5 दिनों में मांस की निर्मिति होती है, मांस के बाद 5 दिनों में मेद की निर्मिति होती है, मेद धातु के बाद 5 दिनों में अस्थि धातु की निर्मिति होती है, अस्थि के बाद 5 दिनों में मज्जा धातु की निर्मिति होती है, और मज्जा धातु के बाद 5 दिनों में शुक्र धातु की निर्मिति होती है। अब ये अलग अलग मत किस लिए है, तो एक तरह से धातुओं की निर्मिति की शुरुआत 1 2 3 4 इन दिनों में होती है, वो लगभग पूरे होने का समय जो है वो लगभग सुश्रुत ने बताया है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, तब आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आएंगी कि कभी किसी को छोटा माइनर हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है, तो फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर कितने दिन तक प्लास्टर करते हैं? 21 डेज तक मिनिमम, 21 दिन तक। अब आपको समझ में आएगा कि 21 दिन अस्थि के निर्मिति का समय है, 21 दिनों में ही अस्थि निर्माण होता है, और इसलिए 3 हफ्ते तक हमें वो प्लास्टर में पाँव रखना पड़ता है, हाथ रखना पड़ता है, कि तब तक उस बोन की जो है वो हीलिंग हो जाए, और हीलिंग होने के बाद उसकी निर्मिति अच्छी तरह से हो जाए। अब कभी कभी और ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर हो, कंपाउंड फ्रैक्चर हो, तो वो ज़्यादा समय भी लेते हैं, 3 महीने भी लेते हैं, 6 महीने भी होते हैं, लेकिन उसकी कम से कम उत्पत्ति के लिए समय जो है वो उतना लगता है। इसलिए ये दोनों का मत जो है वो बराबर है। पाराशर नाम के ऋषि है, उन्होंने उससे थोड़ा अलग मत किया है कि आहार रस के बाद दूसरे दिन रस धातु का निर्माण होता है, और उससे आगे चलकर एक एक दिन में एक एक धातु का निर्माण होता है। अब ये धातु परिणमन काल हमें इस दृष्टि से उपयोगी है कि जैसे मैंने अस्थि का उदाहरण लिया कि इतने दिन कम से कम लगेंगे, तो हमें जब रुग्ण को बताना पड़ता है कि हाँ इस ये जो व्याधि है ये इस धातु के संदर्भ में है, तो हमें इतने दिन तो ठीक होने के लिए चाहिए, क्योंकि कभी कभार आयुर्वेद के संदर्भ में जो अलग अलग हम लोग कह सकते हैं कि मिसकॉन्सेप्ट्स है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि आयुर्वेद से जल्दी असर ही नहीं होता। अब हमें, क्योंकि हमारे पास रुग्ण आते ही 5 10 साल बाद आते हैं,
कि हाँ 5 साल का संधिवात है, अब आप ठीक कर दीजिए वैद्य जी। कितने दिन में? 1 हफ्ते में। क्या ये पॉसिबल है? सोरायसिस लेके आते हैं 10 साल से है, हाइपरटेंशन लेके आते हैं 5-10 साल से है, शुगर होती है उनको 4-5 साल से होती है। तो छोटी छोटी चीज़ जो जल्दी जल्दी ठीक हो सकती है, जल्दी वो डिसीज़ होने के बाद हमारे पास आते ही नहीं है, तो इसलिए देर में काम होता है। ऐसा नहीं होता है कि आयुर्वेद से लेट उपयोग होता है। अगर जल्दी हमारे पास आएंगे तो हम जल्दी उनमें चिकित्सक के तौर पर काम करके धातुओं की निर्मित भी अच्छी करके उन्हें जल्दी रिजल्ट्स दे सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये जो धातु पोषण है, पुष्यन्ति तु आहार रसात् रस रुधिर मांसमेध अस्थि मज्जा शुक्रांशी। इसीलिए जो केदारी कल्याण न्याय से मैंने बताया कि आहार रस से ही हर एक धातु का पोषण होता है, वही सूत्र यहाँ पे लिया है, चरक सूत्र स्थान 28 का। पुष्यन्ति तु किन का पोषण? रस रक्त मांस समेत अस्थि मज्जा शुक्र, इनका पोषण तू आहार रसात ही, आहार रस से ही उनका पोषण होता है। धातुओं का पोषण आहार रस से ही होता है। अब धातुओं का कार्य क्या है? ये जो धातुएं हैं इनका कार्य क्या है? तो धातुओं का कार्य है सामान्य कार्य धारणा, धारण करना, हर एक शरीर के यूनिट को धारण करना, उसको पकड़ के रखना, यह प्राधान्य रूप से कार्य है। जो साथ साथ हमने धारण का अर्थ अलग अलग अर्थ उनके उसके पहले ही समझ लिए हैं, रक्षण पोषण अभिवर्धन हो, दधाति धत्ते शरीर मन प्राणन हो, दधाति रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्रांशी हो, तो ये अलग अलग अर्थ हमने समझ लिए हैं। तो ये सभी अर्थ सामान्य कार्य के रूप में लागू है। साथ ही विशेष कार्य, अब विशेष रूप से कुछ कार्य धातुए शरीर में करते हैं। प्रीणनम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूरणे गर्भोत्पादश्च धातूनाम श्रेष्ठम कर्मम क्रमात्स्मृतम। अब ये विशेष रूप से उनके श्रेष्ठ कार्य है, यहाँ पे उसका जो रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 19, वो चैप्टर नंबर गलत है, वो आप करेक्ट कर लीजिए। वो आपको जब अष्टांग हृदय पढ़ाया जाएगा तब आपको उसका सही रेफरेंस आ जाएगा। तो रस का श्रेष्ठ कर्म है प्रीणन। अब प्रीणन इस शब्द का अर्थ है शरीर में मॉइस्चर मेंटेन करना, शरीर को फ्रेश रखना, शरीर की स्किन की अच्छा पोषण करना, उसका तर्पण करना। तो प्रीणन यह रस धातु का श्रेष्ठ कर्म है। जीवन, जीवनम नाम प्राण धारणम, जीवयति प्राणान धारयति च। अब रक्त का श्रेष्ठ कर्म है जीवयति च, जीवन शरीर को जीवित रखना, किस तरह से जीवित रखना? प्राण का धारण करके। अब हमें भी पता है कि हाँ, हम कभी कभी पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा उसको हिमरेज हो गया और हिमरेज के बाद मृत्यु आ गई, तो क्योंकि यहाँ पे रक्त का प्राण धारण का कार्य कम हुआ है, तो इसलिए रक्त का कार्य जीवन यह है, प्राण धारण है, वो श्रेष्ठ कर्म है। अलग भी रक्त के कार्य है, वर्ण प्रसादनम है, मांस पुष्टि है, और भी बहुत सारे है, अग्नि का पोषण है, अग्नि को बल देना है। अब विशेष रूप से वर्ण प्रसादन, हमें जो अच्छा वर्ण या ग्लो मिलता है वो अच्छे रक्त धातु के पोषण से होता है, इसलिए वर्ण प्रसादन यह रक्त का कार्य है। अगला धातु जो है मांस पोषण, तो मांस धातु का पोषण करना यह भी रक्त का कार्य है। अगला जो धातु है वो मांस है, उसका श्रेष्ठ कर्म है लेपन। अब लेपन का टीकाकारों ने दिया हुआ अर्थ है भित्ते हे मृत्तिका योः, मतलब अगर कोई दीवार हम लोग खड़ी कर रहे हैं तो उसके ऊपर ईंटों के बाहर हम लोग जो प्लास्टरिंग करते हैं, उस प्लास्टरिंग को भित्ते हे मृत्तिका योः लेपः, इस तरह से समझ ले सकते हैं। अब यहाँ पे शरीर के संदर्भ में ये प्लास्टरिंग क्या है? तो शरीर के संदर्भ में शरीर के अंतर्गत जितने भी अवयव है, बोन्स है, उसके ऊपर मांस द्वारा यथोचित लेपन करना, उनको संरक्षण देना, उनको प्रोटेक्ट करना, और उसके बाहर मांस का लेपन करके शरीर को एक दृढ़त्व देना और शरीर को बल देना, यह मांस का लेपन ये कर्म से अर्थ है। तो इसलिए मांस का कार्य है लेपन करना। चौथा है मेद धातु। अब मांस के अन्य जो कार्य है उसमें है शरीर पुष्टि, शरीर को बल देना। अगला धातु मांस का, मेद का पोषण करना। अगला चौथा धातु है मेद।
अब मेद का कार्य है स्नेहन करना, अच्छी तरह से स्नेहन, शरीर में स्निग्धता अंश को रखना। अब ये स्निग्धता अंश शरीर के सभी अणु परमाणुओं को जोड़ के रखती है, उनमें मॉइस्चर करती है, और साथ साथ शरीर को उस वजह से दृढ़त्व आ जाता है। दृढ़त्व मराठी में हम जिसको कहते हैं कि बड़कटी आ जाती है। अब यही स्नेह अगर बढ़ जाए तो शैथिल्य के रूप में आ जाता है, और कभी कभार उसको स्थौल्य में भी वो परिवर्तित कर सकता है। लेकिन योग्य रूप से स्नेह की आवश्यकता है। आजकल जो बहुत लोगों में फैड हो रहा है कि ऑयल नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना है, तो योग्य तरह से अगर स्नेह का पोषण शरीर में नहीं होगा तो उत्तर धातुओं का भी पोषण नहीं होगा और शरीर में दृढ़त्व भी नहीं रहेगा। इसलिए योग्य मात्रा में योग्य स्नेह का पान करना या योग्य स्नेहन शरीर में होना, बाह्य अभ्यंग के रूप में हो या अभ्यंतर स्नेह सेवन के रूप में हो, यह आवश्यक है। मेद के बाद अस्थि यहाँ पे रह गया है। अस्थि का श्रेष्ठ कर्म है धारण करना है। अब ये जो धारण करने का यह अर्थ है, एक तो रक्षण के स्वरूप भी है कि आभ्यंतर जो अवयव है वो आभ्यंतर अवयवों के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवर निर्माण करना। जैसे मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसके ऊपर स्कल फॉर्मेशन है, अंदर जो हार्ट लंग्स है उसके ऊपर का जो अस्थि का लहर है, हम लोग थोरासिक केज उसको कहते हैं, उसकी निर्मिति है। तो ये जो चीज़ है कि एक तो रक्षण करना, दूसरा धारण का अर्थ है टू मेंटेन द पोस्चर। अब वर्टिब्रल कॉलम जो स्ट्रेट रहता है नीचे, उसमें सैक्रम रहता है जो कि पोस्चर मेंटेन करने के लिए, और हिप पेल्विक गर्डल भी रहता है, और ऊपर थोरासिक केज भी होती है जो कि पोस्चर मेंटेन करने के लिए वर्टिब्रा को होल्ड करते हैं। तो ये अस्थि धातु का धारण कर्म टू मेंटेन द पोस्चर है। तो धारण कर्म में अस्थि के जो विशेष कर्म है वो है एक तो रक्षण और दूसरा है पोस्चर मेंटेन करना। अस्थि के बाद का जो धातु है वो है अभ्यंतर मज्जा धातु। मज्जा धातु का अर्थ है और विशेष कर्म है पूरण। हम सब ने पूरण पोली पढ़ा है मराठी में, क्योंकि उसमें पोली जो है उसमें पूरण फील करके उसको उसको सॉलिड बनाते हैं। तो यही अर्थ पूरण यानी अस्थि को मज्जा धातु से आपूरित करना। मज्जा धातु अस्थि के आभ्यंतर जाकर उसकी जो कैविटी है उसको फील करता है, उसको पूरण करता है, इसलिए मज्जा धातु का श्रेष्ठ कर्म पूरण है। अब इसके जो अलग अलग इस पूरण की वजह से होने वाले कर्म जो है वो भी अलग अलग है। बोन मैरो जैसा कार्य है वो कि अगर उसका क्षय होने लगे तो अस्थियों में सुषिरता बढ़ना या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी चीज़ें बढ़ना, ये हो सकता है। साथ साथ स्कल जैसे चीज़ में मस्तिष्क से उसका पूरण करना, मज्जा से उसको पूरी तरह से पूरित करना, यह भी उसमें कार्य है। ओल्ड एज में जब मज्जा क्षय शुरू हो जाता है तो सेरेब्रल एट्रॉफी, सेरेबेलार एट्रॉफी, इस तरह के लक्षण और इस तरह की विकृतियां दिखाई देती है। तो इसलिए मज्जा का विशेष कार्य पूरण करना है। और शुक्र धातु का विशेष कार्य है गर्भोत्पत्ति। अब शुक्र का पुरुषों में दिखने वाला कार्य है गर्भोत्पत्ति, यह ध्यान में रखिए। स्त्रियों में शुक्र का कार्य अलग है, जो कि हर्षम यानी आनंद देना या फिर धैर्यम पेशेंस बढ़ाना, शरीर को बल देना, ये सब कार्य स्त्रियों में शुक्र धातु के है। स्त्रियों में गर्भ उत्पत्ति का कार्य करने वाला जो धातु है वो उपधातु आर्तव के स्वरूप में है, इसलिए स्त्रियाम शुक्रम न तु गर्भाय भवेद गर्भाय च आर्तवम, इस तरह का सूत्र आया है। मतलब शुक्र का पुरुष शरीर में कार्य है गर्भ उत्पत्ति, यही उसका श्रेष्ठ कर्म है। बाकी भी उसके कार्य है धैर्यम च्यवनम प्रीतिम हर्षम देहबलम बीजार्थम च, मतलब प्रीतिम प्यार उत्पन्न करना, हर्ष आनंद उत्पन्न करना, धैर्य पेशेंस उत्पन्न करना, ये भी शुक्र धातु के ही कार्य है, लेकिन वो उतने श्रेष्ठ कर्म नहीं है। वो पुरुषों में स्त्रियों में दोनों में होते हैं, लेकिन गर्भोत्पत्ति का शुक्र धातु का जो कार्य है वो सिर्फ पुरुषों में ही दिखता है। स्त्रियों में गर्भोत्पत्ति के लिए अलग भाव है जिसको आर्तव कहा गया है। सॉरी टू थोड़ा आगे चलते डिस्टर्ब, हैं। वापस से पीछे की तरफ हो रहा है, अगर आप वापस से एक बार रोटेट कर सकेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। अब हाँ दिख रहा है अच्छे से। अगली जो कॉन्सेप्ट धातुओं के संदर्भ में है वो है उपधातु। उप
हमें सबको मालूम है कैप्टन, कैप्टन के बाद होता है वाइस कैप्टन। अभी सबने महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में जो जो चीज़ें चल रही थी, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रखा हूँ, हमें उसमें जाना नहीं है। मुख्यमंत्री और उसके साथ होता है उप मुख्यमंत्री। वैसे ही धातुओं के साथ जो अलग भाव होते हैं उनको उपधातु कहते हैं। उप यानी धातुओं से थोड़े कम, धातुओं का ही कर्म करने वाले, मतलब जो धातुओं का धारण कर्म है वही उपधातु भी धारण का ही कार्य करेंगे, अलग अलग थोड़े से रूप में करेंगे, लेकिन थोड़ा उनसे कम। अब उपधातुओं की जो व्याख्या है वो शिरा स्नायु रजस्तन्यो त्वचो गति विवर्जिता धातवस्य उपजायन्ते तस्मात् ते उपधातवा। अब यहाँ पे एक शब्द आया है गति विवर्जित, मतलब धातुओं को जैसे उनकी गति होती है, धातुओं से अगले धातुओं की निर्मिति होती है, धातुओं से उपधातुओं की निर्मिति होती है, वही गति की विवर्जितता, मतलब वो गति उपधातुओं में नहीं होती, यही सिर्फ धातु और उपधातु में फर्क है। मतलब उपधातुओं से अन्य किसी नव चीज की निर्मिति नहीं होती। जैसे रस धातु के उपधातु है स्तन्य एवं रज, स्तन्य एवं रज से उस शरीर में किसी अलग नए चीज की निर्मिति नहीं होती। स्तन्य से बालक का पोषण होगा लेकिन वह अलग शरीर से होगा। रक्त के कंडरा एवं सिरा जो उपधातु है उनसे उस शरीर में किसी धातु की उत्पत्ति या किसी अलग भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए उनको उप कहा गया है। अब यहाँ पे भी रेफरेंस थोड़ा सा गलत है, आपको थोड़ा सा बुक में देखकर आप करेक्ट कीजिए। आज का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत जल्दी जल्दी में बताया, मैंने एक स्टूडेंट को बताया था और उन्होंने वो बनाया है, और हमें करेक्ट करने का भी समय नहीं मिला। मैं प्रोग्राम में था, वहाँ से सीधा यहाँ आने के बाद जब समय हो गया तभी वो प्रेजेंटेशन देखा और आपके सामने लेक्चर लेना शुरू कर लिया, इसलिए कुछ गलतियाँ इस प्रेजेंटेशन में हैं। अब धातुओं के जो जो उपधातु है, रस धातु के उपधातु स्तन्य एवं रजत दोनों है। अब यहाँ पे आर्तव या रज को रक्त के सामने भी लिखा है, इसके दो कारण है। स्तन्य एवं रज चरक के हिसाब से रस धातु के उपधातु है और शारंगधर के हिसाब से आर्तव या रज यह रक्त धातु का उपधातु है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से लिखा है। तो आपको समझने के लिए समझ लीजिए कि स्तन्य और रज दोनों रस के उपधातु है, चरकानुसार शारंगधर के अनुसार आर्तव यह रक्त का उपधातु है, उनके अनुसार रस का उपधातु सिर्फ स्तन्य है, आर्तव यह रक्त का उपधातु है। चरक के अनुसार कंडरा एवं सिरा यह रक्त के उपधातु है, मांस के उपधातु वसा एवं षट्वचा, मेद के उपधातु स्तन स्नायु। अब अस्थियों के दांत, मज्जा के केश और शुक्र का ओष, ये तीनों भी शारंगधर के बताए हुए उपधातु है। अब जैसे बताया कि गति विवर्जित, उनका काम उससे थोड़ा कम। अब उपधातुओं का सीखना किस लिए महत्वपूर्ण है, फिर से क्लिनिकल एस्पेक्ट इसमें से बताता हूँ कि अगर हमारे पास कोई दंत के संदर्भ में कंप्लेन लेकर आता है तो दंत तो एक तो रुचकास्थि में उसका समावेश किया है और साथ ही शारंगधर ने उसको अस्थि के उपधातु के तौर पर लिया है, तो हम लोगों को ऐसे नहीं करना है। हाँ दंत ना, ये तो डेंटिस्ट्री का विषय है, आयुर्वेद में उसके बारे में खूब बहुत कुछ नहीं कहा है, इस तरह से हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो दंत के विषय में अगर हमें चिकित्सक के तौर पर कार्य करना है तो अस्थि धातु के पोषण के संदर्भ में विचार कीजिए, अस्थि का पोषण सुधारने की कोशिश कीजिए, जैसे वो करेंगे दांतों का पोषण भी सुधर जाएगा। लोकल वहाँ पे जो एबनॉर्मिलिटीज होंगी उसके लिए शायद हमें कुछ गंडूस देना पड़ेगा, कुछ कवल देना पड़ेगा, कुछ दंत धावन करने के लिए कुछ द्रव्य देने पड़ेंगे, वो दिनचर्या से भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन चिकित्सा के तौर पर हमें उसके मूल धातु का विचार करना पड़ेगा। वैसे ही केश, आजकल खलित्य एवं पालित्य, बालों का झड़ना, हेयर फॉल एक बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, तो हेयर फॉल का पेशेंट जब आ जाए तो हमें एक घटक के तौर पर अलग अलग कारणों से हेयर फॉल होता है, अलग अलग संप्राप्तियों से हेयर फॉल होता है, लेकिन एक कारण के तौर पर उसके मज्जा धातु का पोषण के बारे में देखना है। अगर मज्जा धातु का पोषण अच्छी तरह से हो रहा है तो उनके केशों के संदर्भ में अलग संप्राप्ति का विचार करना पड़ेगा, नहीं तो मज्जा धातु के पोषण के लिए आप काम कीजिए, तो उससे उपधातु केश का भी पोषण हो जाएगा और उनका खालित्य लक्षण कम हो जाएगा। तो इसलिए धातुओं के साथ साथ हमें उपधातु पढ़ने हैं। तो उपधातु अगर अच्छी तरह से समझ में आएंगे तो उपधातुओं की विकृति के वक्त हम लोग धातुओं की चिकित्सा के साथ
उसकी उनकी चिकित्सा कर सकते हैं। आगे चलते हैं धातुओं के मल। अब जैसे उपधातु होते हैं, उप धातुओं के साथ साथ तैयार होते हैं, वैसे ही धातुओं के साथ साथ उनके मल भी तैयार होते हैं। अब यह सूत्र वाग्भट शारीरस्थान अध्याय 3 का है, चरक के शारीरस्थान में भी इसी तरह का सूत्र आया है। कफ पित्तम मलाम खेशु प्रस्वेदो नखरो मच स्नेहो अक्षित वग विषाम ओजो धातूनाम क्रमशो मलाहा। धातु एवं धातु मल, तो रस का जो मल कहा गया है वो कफ दोष है, रक्त का मल पित्त दोष है। अब अगर दोषों की उत्पत्ति के बारे में सोचेंगे तो तीन स्तरों पे होती है, एक ध्यान रखिए। एक तो पहला प्राकृत दोष जो कि गर्भनिर्माण अवस्था में ही उत्पत्ति होती है, दूसरी उत्पत्ति पचन के अवस्था में अवस्थापाक के तौर पर और बाद में विपाक में, और तीसरी उत्पत्ति यहाँ पे कफ और पित्त की जो होती है वो धातु के साथ धातुओं के मल के तौर पर। तो रस के मल के स्वरूप कफ, रक्त के मल के स्वरूप पित्त, मांस के मल के स्वरूप ख मल। ख यानि जो भी शरीर के रिक्त स्रोतस है बाह्य, उसमें जो तैयार होने वाला मल है, जैसे नाक में कान में सिंघाण आदि मल है, तो ये सब मल मांस के मल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं। मेद का मल स्वेद बताया गया है, अस्थि का केश और लोम, मज्जा का अक्षी विट और त्वचा, इनमें तैयार होने वाला अतिरिक्त स्नेहांश, और शुक्र का ओज। अब यहाँ पे ओज, यह वाग्भट ने शुक्र का मल कहा है, शारंगधर संहिता में उसको उपधातु कहा है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा मल केमिकल रिएक्शन के तैयार वक्त तैयार होने वाला बाय प्रोडक्ट इस तरह से उसको समझिए, तभी ये ओज मल रूप कैसे समझा है इसलिए बताया समझ पाएंगे। नहीं तो ओज मल कैसे हो सकता है, ओज तो सभी धातुओं का सार है, उससे तो सभी का पोषण होने वाला है, तो ये ऐसी तरह की हमारी धारणा होगी और ये हम शुक्र धातु के मल के तौर पर समझ नहीं पाएंगे। और एक चीज़ इसमें बताने की कोशिश करता हूँ, ओज में भी विकृतियाँ होती है, ओज का क्षय होता है, ओज की वृद्धि होती है, ओज के विश्रंस व्यापक जैसी विकृतियाँ होती है, तो ये सब चीज़ें जब होती है तब ओज के पोषण के लिए हमें शुक्र के पोषण के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। शुक्र धातु का अगर पोषण ठीक तरह से होता हो कर पाएंगे तो ओज का भी पोषण हो जाएगा। तो इस संदर्भ में ओज एज एन मल के तौर पर बाय प्रोडक्ट इस तरह से देखिए, ना कि ओज से कुछ मलिन होगा इस तरह से देखिए, लेकिन जब ओज व्यापत, ओज विश्रंस या ओज क्षय इस तरह के कुछ लक्षण होंगे तो उससे भी शरीर मलिन हो सकता है। आगे चलते हैं। अब ये और एक पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है, दोष और धातुओं का आश्रय श्रय भाव। मैंने पहले ही बताया कि दोष जो है वो धातुओं में आश्रय करते हैं, इसीलिए धातुओं को दूषित भी कर सकते हैं। तो जब दोष बिगड़ जाते हैं तो धातुओं को दूषित करते हैं। तो किस तरह का ये आश्रय आश्रय भाव है, आश्रय यानी जिसमें वो रहता है, आश्रयी जो रहने की मांग करता है। तभी अब यहाँ पे तत्र अस्थिनि स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तस्य श्लेष्माशेषेषु तेषाम एषाम आश्रय आश्रयणाम भवः यद एकस्य तद अन्यस्य वर्धन क्षेपण औषधम अस्थि मारुतयोः नैव। तत्र अस्थिनि स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयोः। अस्थि धातु और वात दोष में आश्रय आश्रय भाव है, वात दोष अस्थि में स्थित है, लेकिन जब वात बढ़ता है तो अस्थि का क्षय होता है, और जब अस्थि का क्षय अस्थि की वृद्धि होती है तो वात का क्षय होता है। अब यह चिकित्सा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जब जब वात प्रकोप होगा तो अस्थि का क्षय होने की आशंका है, तो अस्थि के पोषण के ऊपर ध्यान दीजिए। जब जब अस्थि का अच्छा पोषण करेंगे तब वात का क्षय हो सकता है, इसलिए उसके क्षय के ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो इस दृष्टि से इसको देखना चाहिए। पित्तम तु स्वेद रक्तयोः, पित्त स्वेद और रक्त में रहता है, लेकिन यहाँ पे यद एकस्य तद अन्य से वर्धन क्षेपण औषधम है, मतलब पित्त का क्षय हो जाए तो स्वेद और रक्त का भी क्षय होता है, पित्त की वृद्धि हो जाए तो स्वेद और रक्त की भी वृद्धि हो सकती है। और श्लेष्मा शेषेषु, अब शेषेषु यहाँ पे अन्य दूष्य कौन कौन से हैं, अन्य दूष्य रस मांस मेद मज्जा एवं शुक्र। तो ये सभी पांच धातुएं जो है वो कफ के आश्रय है, कफ उनमें आश्रयी है।
तो जब जब इनमें दुष्टि होगी तो कफ में भी दुष्टि हो सकती है, और कफ जब अच्छा कार्य करेगा तो इनका पोषण भी अच्छा हो सकता है। इसलिए हमने ये दोष धातुओं का आश्रय श्री भाव यह पॉइंट यहाँ पे लिया है। अब स्रोतस के संदर्भ में ये एक पॉइंट मैंने लिया है। हमने जो उत्पत्ति के वक्त देखा कि धातुओं की उत्पत्ति कहाँ पे होती है, स्रोतस में होती है। अब ये स्रोतस यह चीज़ यहाँ पे दूष्य के संदर्भ में इसलिए ली कि हर एक धातु का एक एक स्रोतस होता है, और वहाँ पे जैसे उत्पत्ति होती है वैसे ही उनमें बिगाड़ होने की संभावना वहाँ पे ही होती है, और इसलिए स्रोतस यह संकल्पना हमें समझने की आवश्यकता है। तो श्रोतांसी खलु परिणामम आपद्यमानानां धातूनां अभिवायनी भवन्ति अयनार्थिनः। यह चरक विमान स्थान अध्याय 5 का सूत्र है। स्रोतस मतलब ऐसे शरीर के चैनल्स या ऐसे भाव जो कि परिणत होने वाले धातुओं के वहन करने वाली जगह होती है। कैसे होते हैं वह स्रोतस? स्वधातु समवर्णानि वृत्त स्थूलानि अणुनि च स्रोतांसी दीर्घाणि आकृत्या प्रतान सदृशानि च। स्वधातु समवर्णानि, जिस धातु का स्रोतस होगा उस धातु का स्रोतस उसके जैसे वर्ण का होगा। तो रक्त का रक्त वह स्रोतस रक्त के वर्ण के जैसे समान होने की आशंका है। साथ साथ कैसे हो गए? वृत्त मे बी सर्क्युलर, स्थूल बड़े, अणु छोटे, दीर्घाणी लंबे, या प्रतानी टेंडन जैसे थिन। तो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, उस धातु के वर्ण के जैसे होते हैं, लंबे होते हैं, साथ साथ टेंडन जैसे होते हैं, इस तरह के स्रोतस अलग अलग होते हैं। अब ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि ये स्रोतस उसमें अवकाश होता है, आकाश महभूत होता है, उसकी जो बॉर्डर वगैरह है वो कुछ उस स्रोतस में इंक्लूड नहीं होती, इसीलिए वो हर एक धातुओं का परिणमन होने वाले धातुओं का वहन करने वाली जो जगह है उसको स्रोतस कहा गया। अब ऐसे तो स्रोतस शरीर में अनगिनत है, इसलिए चरक ने उस अध्याय में श्रोताओं से ही अपरिसंख्येयः भवति इस तरह का वर्णन किया है। मतलब ये जो स्रोतस है वो अपरिसंख्येय है, गिनने से भी ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी जो स्रोतस हम गिन सकते हैं उसको उक्त स्रोतस कहा है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन चिकित्सा में है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन शरीर क्रिया रचना के संबंध में है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन निदान के तौर पर है, व्याधि का निदान करने में है, इसलिए उनका वर्णन चरक संहिता में आया है, सुश्रुत संहिता में भी आया है। चरक संहिता में आए हुए स्रोतस है। अब बाह्य और आभ्यंतर, इस तरह से ये आभ्यंतर ही है। बाह्य स्रोतस जो है द्वे अधे सप्तशिरसि, अधो जो होते हैं बाह्य और सप्तशिरसि। अब और जो स्रोतस है 13 स्रोतस, प्राण उदक एवं अन्न, प्राण का वहन करने वाला एक स्रोतस, अन्न का वहन करने वाला स्रोतस और उदक का वहन करने वाला स्रोतस। धातुओं के स्रोतस रस से लेकर शुक्र तक हर एक धातु का एक एक स्रोतस, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा एवं शुक्र, और मलों के स्रोतस मूत्र पुरुष और स्वेद। तो ये अलग अलग स्रोतस होते हैं। अब इन स्रोतसों के मूल स्थान, अब स्रोतस के संदर्भ में चरक में जो शब्द आया है कि मूल स्थान क्या है, तो मूलम इति प्रभव स्थानम, जहाँ पे उनकी उत्पत्ति होती है या फिर अभिव्यक्ति होती है, और ये क्योंकि विमान स्थान में आए हैं तो ये परीक्षण स्थान भी है कि स्रोतसों का अगर परीक्षण करना है तो हमें इन स्थानों पर करना है। तो मतलब अगर धातुओं का हमें परीक्षण करना है, रस का परीक्षण करना है, रक्त का परीक्षण करना है, मांस का करना है, तो उनके स्रोतस में कीजिए, और उनके स्रोतस में भी कहाँ पे कीजिए, उनके मूल स्थान में उसका परीक्षण कीजिए, तो वो सबसे अच्छा परीक्षण होता है, इसलिए उनके मूल स्थानों का वर्णन आया है। तो ये क्लिनिकल चीज़ है, ध्यान में रखिए। हमें सेकेंड ईयर में निदान में स्रोतस परीक्षण यह स्वतंत्र रूप से केस टेकिंग में पॉइंट आएगा, जहाँ पे हमें हर एक स्रोतस का परीक्षण करना होता है, हर एक स्रोतस का परीक्षण करना होता है। तो रसवह स्रोतस के मूल स्थान है हृदय एवं दश धमनिया, जो हृदय से निकलने वाले हैं धमनिया, आर्टरीज जो कि हृदय से निकलती है, रक्त का यकृत एवं प्लीहा। ट्रांसलेशन के लिए फिर से टेम्परी आप लीवर और स्प्लीन लीजिए, सिर्फ उसका उतना मर्यादित अर्थ नहीं है। मांस का स्नायु एवं त्वचा, मेद के
वृक और वपावहन। अब वपावहन यह शब्द है, उसका अर्थ है उदरस्थ स्निग्ध वर्तिका या तैलवर्तिका, मतलब जिस जो पार्ट हमें ओमेंटम के बारे में दिखाई देता है, ओमेंटम एज एन ऑर्गन, तो वो जो ओमेंटम चीज है वो मेद का मूल स्थान के तौर पर, प्रभव स्थान के रूप में हमें लेना है। अस्थि मेद एवं जघन। अब अस्थि वह स्रोतस के संदर्भ में, मेद वह स्रोतस के जो जो मूल स्थान है, वृक्क वपावहन वो भी लेने हैं, और जघन, जघन का अर्थ है कटि कपाल अस्थि या पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन का पोषण जितना अच्छा होगा उसके ऊपर अस्थि का पोषण होगा, इसलिए उसको वहां पे लिया है परीक्षण स्थान के तौर पर। मज्जा में अस्थि व स्रोतस के मेदो मूलम जघनम च, और संधि सभी संधिया, क्योंकि उनमें मज्जा धातु रहेगा अस्थियों के आभ्यंतर और उसका पोषण करते रहेगा, तो परीक्षण करने के लिए संधियों का परीक्षण करने के लिए गया कहा गया है। और शुक्र के संदर्भ में वृषण एवं शेफ। अब वृषण यह टेस्टिस और शेफ पेनिस, इस तरह से उसका परीक्षण करने के लिए कहा है। और सुश्रुत संहिता में शुक्र वह स्रोतस के मूल स्थान में स्तनों, यह एक अलग मूल स्थान का उल्लेख किया है। अब यहाँ पे धातु दुष्टि, क्योंकि वो दूष्य है, तो दूष्य जो है, तो दूष्य किस तरह से दूषित होते हैं, यह स्रोतस किस तरह से प्रकोपित होते हैं, इसके लिए जो सामान्य कारण चरक में आए हैं वो है आहारश्च विहारश्च यह स्यात् दोष गुण ही समाहा। मतलब जो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाले होंगे वो वात को बढ़ाएंगे, पित्त को बढ़ाएंगे, कफ को बढ़ाएंगे, दोष गुण ही समाह, दोषों को बढ़ाएंगे और बाद में स्रोतस को दुष्टि करेंगे। और धातु भी विगुणश्चापि, धातुओं के विरुद्ध गुणों के जो होंगे वो स्रोतस को दूषित करेंगे। जैसे रस धातु के गुण है स्निग्ध शीत द्रव, तो अगर रूक्ष गुण बढ़ जाए, उष्ण गुण बढ़ जाए, तो रस वह स्रोतस दूषित हो जाएगा, उसको विगुण हो जाएगा। तो इस तरह से दोषों के गुणों के समान गुणों से और धातुओं के विरुद्ध गुणों से स्रोतस दूषित हो जाएगा, और स्रोतस दूषित होने के बाद धातु भी दूषित हो जाएंगे, धातुओं की निर्मिति में भी अड़चन आ सकती है। वैसे ही उन स्रोतसों के सामान्य दुष्टि लक्षण भी है। लक्षण यानी क्या दिखता है वहां पे, तो जैसे क्रिया आप अगर पढ़ रहे हो तो जब तक स्रोतस रिक्त है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो धातुओं की निर्मिति अच्छी हो रही है, और जब वो बिगड़ेंगे तो उसमें क्या क्या सामान्य लक्षण दिखते हैं, तो अति प्रवृत्ति संगोवा शिराणाम ग्रंथयोपि वा विमार्ग गमनम वापि स्रोतसाम दुष्टि लक्षण। मतलब अति प्रवृत्ति, उसको वो वहां से ज्यादा बहने लगना, जैसे रक्त पित्त में होता है, रक्त भी इस मात्रा में बढ़ता है, पित्त भी मात्रा में बढ़ता है, और वहां से उसका वहन होने लगता है। संग, उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आना, शिरा ग्रंथि, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज जैसा या एम्बोलिज्म जैसे होना, या विमार्ग गमन, वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह से बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो ये स्रोतस की दुष्टि लक्षण है। मैं इसमें इनमें अभी ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, क्योंकि ये विकृति विज्ञान में निदान स्थान में आपको आने वाला है, सेकेंड ईयर में आने वाला है, लेकिन इस ये कॉन्सेप्चुअली आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए था, क्योंकि धातुओं का बिगड़ना या दूष्य किस तरह से होता है, तो एक तो ये हेतुओं से होता है, और हेतुओं से इस तरह के लक्षणों से धातुओं के स्रोतस बिगड़ते हैं और उससे व्याधि निर्मिति हो सकती है। अब ये स्रोतसों का या धातुओं का महत्व क्या है, तो कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संगक खवैगुण्यात् व्याधिरत्रोपजायते। कुपित हुए दोष, मतलब प्रकुपित हुए दोष, बिगड़े हुए दोष शरीर में यहाँ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, और जहाँ पे उनको दूषित हुआ स्रोतस या धातु मिलता है, कि जो जिस धातुओं का अच्छा पोषण नहीं हुआ है, तो उसको वो ख वैगुण्य कहते हैं। वो ख वैगुण्य में वो दोष आश्रित होकर व्याधि की निर्मिति करते हैं। इसलिए धातुओं का पोषण अच्छा मेंटेन रखना यह स्वास्थ्य का लक्षण है। हमारे पास जब रुग्ण आएगा तो व्याधि चिकित्सा में, व्याधि ठीक करने के बाद हमारी चिकित्सा पूरी नहीं होती, व्याधि ठीक होने के बाद उसने जिन धातुओं को बिगाड़ा था उन धातुओं का बल फिर से बढ़ाना, उनके स्रोतसों का बल बढ़ाना, उससे जो अवयव तैयार हुए हैं उनका बल बढ़ाना, और उनको प्राकृत करने तक चिकित्सा होती है। तो ये इस तरह से जब नॉर्मल होता है, प्राकृत हो जाएंगे, तो वो फिर से ख
वैगुण्य के तौर पर नहीं रहेंगे तो दोष बढ़े भी तो उनमें वो आश्रित नहीं होंगे और वो व्याधि निर्मिति नहीं करेंगे। इसलिए ये सब चीजें यहाँ पे मैंने आगे चलकर भी रखी है। अब मल विचार के पहले और दो चीजें इसमें थोड़ी सी रह गई है, वो आपके सामने रखकर ये आगे चलते हैं। एक तो चीज है उसको हम धातुओं का परिमाण कहेंगे। परिमाण यानी धातुओं को हम गिन सकते हैं क्या? तब सुश्रुत का तो इस संदर्भ में मत है कि दोष धातु मलानाम परिमाणम न विद्यते, मतलब दोष धातु और मल को हम उसको उसका मेजर नहीं कर सकते। लेकिन चरक ने उसके मेजरमेंट के लिए कुछ चीजें बताई है कि उसके लिए एक सूत्र आया है, मज्जा मेदो वसा मूत्र पित्तश्लेष्म शकृत्य श्रोक रसो जलम च देहेस्मिन एक एक अंजलि वर्धते। अंजलि के रूप में जो जो द्रव धातु है उसको आप अंजलि, एक ओंजड़, एक अंजलि में जितना वो धातु बन रहेगा उस तरह से उसको काउंट कीजिए, इस तरह से वर्णन आया है। तो एक एक चीज का मैं आपको बताता हूँ। रस धातु के लिए यह परिमाण 9 अंजलि इस तरह से आया है, रक्त धातु के लिए 8 अंजलि। अब अंजलि ओंजड़, अब इसका थोड़ा सा साधर्म्य हमें दिख सकता है। एक अंजलि का जो परिमाण हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो लगभग 640 ml इस तरह से हुआ है, और जब हम 8 अंजलि देखते हैं, हम जब 8 अंजलि इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 5 लीटर तक ही होता है जो कि ब्लड के प्रमाण के नजदीक होता है। इसलिए रक्त का 8 अंजलि। मांस हम लोग अंजलि स्वरूप नहीं गिन सकते क्योंकि वो पार्थिव होता है, तो मांस पेशी के स्वरूप में हम लोग गिन सकते हैं। रचना शरीर में उसकी संख्या जो है वो आप देख के, फिर से छोटा सा होमवर्क, पहले एक होमवर्क दिया था, ये दूसरा होमवर्क, वो आप बरखा मैडम मैडम को आप कितनी पेशियाँ शरीर में है वो आप उनको बताएंगे, पुरुष शरीर में कितने हैं, स्त्रियों में कुछ ज़्यादा है, उनकी संख्या भी आप उनको मैसेज करके या नोट्स निकाल कर उनको आप भेज सकते हैं। उसके बाद मेद, रस रक्त मांस मेद, मेद का जो परिमाण बताया है वह है 2 अंजलि। उसके बाद अस्थि, अस्थि फिर से हम लोग अंजलि के रूप में नहीं गिन सकते। अब अंजलि के उसको संख्या में गिना हुआ है चरक संहिता में 360, सुश्रुत संहिता में 300, और मॉडर्न के अनुसार हमें पता है 206। तो ये अलग अलग ज्यादा क्यों अस्थियां है वगैरह, आपको अस्थि धातु जब अलग से पढ़ाया जाएगा तब उसके संदर्भ में अस्थि में क्या क्या चीजों का समावेश किया है वो आपको पता चलेगा, तब ये संख्या अलग अलग क्यों आई है इस तरह से आपको समझ में आएगा। उसके बाद है मज्जा जिसका प्रमाण है 1 अंजलि, और उसके बाद है शुक्र, ओजो मस्तिष्क 2 अंजलि तो स्तन्यस्य चत्वारो रजसस्त्रीणाम, और उसके बाद शुक्र का परिमाण जो है वो मैं थोड़ा आपको मैसेज करके बाद में बता दूंगा। अब ये धातुओं के परिमाण के बाद अंतिम जो है और एक मुद्दा जो है धातुओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जो कि धातुओं की सारता के संदर्भ में। सारता यानी सारो विशुद्ध तरो धातु उच्चते, विशुद्ध तर। अब ये जो चीज है ये फिर से एक विमान स्थान में आया हुआ अलग टॉपिक है, परीक्षा भावों के संदर्भ में आया हुआ है कि प्रकृतिता परीक्षण, विकृतिता परीक्षण, सारता परीक्षण, सत्वता परीक्षण। अब तक हमें पता चला कि धातुओं के कार्य क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं, कैसी उत्पत्ति होती है, लेकिन अगर वो उनके सर्वोत्कृष्ट उत्पत्ति उनकी अगर होती है तो उसको सार कहा गया है, सारो विशुद्ध तरो धातु उच्चते। शुद्ध यानी प्योर, उनके कर्म करने वाला, विशुद्ध विशेष रूप से शुद्ध, उससे ज्यादा शुद्ध, विशुद्ध तर उससे भी ज्यादा शुद्ध। जैसे हम डिग्रीज के तौर पर देखते हैं पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो ये सुपरलेटिव डिग्री धातु की है। अगर इस तरह से धातु का पोषण होगा तो शायद ही व्याधि निर्मिति हो, क्योंकि उतने अच्छे धातुओं के पोषण के लक्षण उसमें दिखाई देंगे।
तो चरक विमान स्थान अध्याय 8 में और सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 35वें अध्याय में धातुओं के सारता के लक्षण आए हैं, शारीर भी लक्षण आए हैं, मानस भी लक्षण आए हैं, वो अलग से सारता टॉपिक में आ जाएंगे। उसका परीक्षण भी हमें फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल में शारीरिक क्रिया में करना होता है। तो ये जो है अलग रूप से सारता का विषय है। अब ये सारे परीक्षण किस लिए करना है? इससे हमें बल प्रमाणाद्य वा मतलब धातुओं का बल समझ में आएगा। तो धातुओं का बल अगर समझ में आएगा तो और वो हम धातुओं का बल बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, और धातुओं का बल बढ़ाने से व्याधि शरीर में होने की संभावना कम हो जाती है। तो इस दृष्टि से भी सार परीक्षण यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे चलते हैं, थोड़ा आप दूसरों में से दूसरा जो विषय है मल, इसके बारे में थोड़ा एक 10 मिनट में हम लोग देख लेंगे और मैं मेरा व्याख्यान खत्म कर दूंगा। मल विचार, दोष धातु मलामूलम ही शरीरम। अब आपको दोष और धातुओं के बारे में अब तक यहाँ पे हमने बताया, शायद मल विचार में विस्तृत रूप से और भी कोई आगे चलकर आपको लेक्चर होगा, लेकिन यहाँ पे सामान्य तौर पर दूष्य के संदर्भ में भी मल आते हैं, इसलिए यहाँ पे ले रहा हूँ। दोष धातुओं के साथ साथ मल भी शरीर के मूल है। जैसे दोष दुष्यंती के तौर पर, धातु धारण के तौर पर, वैसे ही मलिनीकरण करने वाले मल इस रूप से शरीर के मूल है। जब तक मल शरीर में रहते हैं तब तक वह भी शरीर का धारण का कार्य करते हैं, इसलिए वह भी महत्वपूर्ण है। तीन मल, पुरीष मूत्र और अधोवायु, ये प्रधान मल है, लेकिन स्वेद को भी क्लिनिकल दृष्टि से हम लोग ज़्यादा उपयोग में लाते हैं, इसलिए स्वेद का समावेश हम यहाँ पे किया है। मल उत्पत्ति, तत्र आहार प्रसादाख्यो रसः किट्टम च मलाख्यम अभिनिर्वर्तते। मतलब आहार का पचन होकर जब आहार रस तैयार होता है तो आहार रस के साथ साथ किट्ट यानी मल स्वरूप पदार्थ तैयार होते हैं। उसमें से जो अच्छ किट्ट होता है, द्रव किट्ट होता है, लिक्विड अंश होता है, उससे मूत्र का पोषण होता है, यूरिन का पोषण होता है, और जो घन किट्ट होता है उससे स्टूल्स या मल पुरीष इसका पोषण होता है। इतना ही मलों के बारे में। मल के भी अलग अलग कार्य है, जैसे पुरीष मल का अवष्टम्भ यह कार्य है, मतलब धारण करना, यह पुरीष का कार्य है। मूत्र का क्लेद वहन करना, शरीर में जो अतिरिक्त रूप से द्रवांश या है उसको क्लेद के रूप में वहन करना, यह मूत्र का कार्य है। और स्वेद का कार्य क्लेद विद्रुति, क्लेद का धारण करना फिर से, तो यह स्वेद का कार्य है। तो मल के बारे संदर्भ में भी शायद अलग वैद्य आपके सामने विचार रखेंगे। अब ये फिर से थोड़ा सा हम समअप करने के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। धातुओं का अभ्यास करते समय हमें इतने लक्षणों को ध्यान में रखना है। धातु का नाम पर्याय एवं निरुक्ति, उस धातु का नाम कैसे बना है, उस शब्द की निरुक्ति क्या है, उसके पर्यायी शब्द क्या है, उस धातु का स्थान क्या है, अब विशेष रूप से उसका स्रोतस, उसके संदर्भ में वर्णन की हुई कला या कोई अन्य स्थान अगर उसका वर्णन हो, जैसे रक्त में रक्ताशय करके अलग स्थान वर्णन है, इस तरह से हमें वो समझना है। धातुओं का पांचभौतिक संगठन और धातुओं के गुण, धातुओं का पांचभौतिक संगठन, इस धातु में कौन सी पांचभौतिक मीटिंग है, इस तरह से। धातुओं का परिणमन, ये धातुओं की उत्पत्ति कैसे होती है, तो धातुओं की उत्पत्ति, धातु पोषण काल, अलग अलग आचार्यों के हिसाब से जो जो धातु पोषण काल है वो। धातुओं के गुण, इन धातुओं के गुण क्या है, उन्हीं गुणों के आधार पर उनके कर्म है, जैसे रस सौम्य द्रव स्निग्ध है, प्रीणन उसका कार्य है। इसी तरह से धातुओं का अंजलि प्रमाण जो हमने देखा, धातुओं के कार्य प्रीणनम जीवनम लेपो, यह विशेष कार्य, साथ साथ अलग अलग उनके कार्य। धातुओं की सारता, उपधातु, धातु मल और धातु वृद्धि क्षय लक्षण। अगर इन अलग अलग पॉइंट्स में आप धातुओं की पढ़ाई करेंगे तो वो आपको एग्जाम की भी दृष्टि से आप अच्छी तरह से उनको पढ़ पाएंगे, और क्लिनिकली भी हर एक पॉइंट का जो महत्व है वो भी अगर आपने अच्छी तरह से सीखा तो आगे चलकर आयुर्वेदीय चिकित्सक के तौर पर इसमें से हर एक चीज, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान में रखिए, हर एक चीज निरुक्ति के साथ चलकर धातु वृद्धि क्षय लक्षणों तक, हर एक चीज आपको चिकित्सा करते वक्त
उपयोग में आने वाली है उसकी मदद हम लोग लेते हैं, उसी का आधार लेकर चिकित्सा करते हैं, विकृति समझ लेते हैं। तो इसलिए अभी से इन चीज़ों का अच्छी तरह से पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, और जितना भी आप उसमें अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे उसका फ़ायदा आपको ही होने वाला है। अब यहाँ पे मैं मेरा व्याख्यान ख़त्म करता हूँ। आपके जो पुनर्वसु आयुर्वेद प्रबोधिनी के सभी आयोजक हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों में रुचि निर्माण करने के लिए और उनको आयुर्वेद के जो विषय है वो समझ लेने के लिए आपने जो प्रयास करके ये एकेडमी स्थापन की है और उनके लिए ये कोर्स डिज़ाइन के लिए किया है, तो वो सभी आयोजक आपको मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। साथ में आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने इस तरह का कोर्स डिज़ाइन किया है। और अभी अटेंड जितने विद्यार्थियों ने ये लेक्चर अटेंड किया है उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और मेरा लेक्चर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।